चलिए ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि आज की क्लास से हमें एक न्यू टॉपिक शुरू करना है, दैट इज साइटोस्केलेटन। तो इसको पहले हम शुरू करेंगे और उसके बाद ही जो है मैं आपको प्रोटीन शॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ाऊंगी। तो जैसा कि क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेंट बता देती हूँ कि आज की क्लास का क्या क्या कॉन्टेंट रहेगा। तो साइटोस्केलेटल की बेसिक डेफिनेशन तो मैं आपको बता दूंगी, साथ ही साथ टाइप होते हैं साइटोस्केलेटल के। तो आज की क्लास में हम तो पहला टाइप है माइक्रोफिलामेंट, या इसे एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक्टिन फिलामेंट में ही कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट, फेजेस होती हैं जब एक्टिन फिलामेंट में आपका पॉलीमराइजेशन होता है तो उसकी काफी सारी फेजेस होती हैं, तो वो फेजेस हम पढ़ेंगे। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन सीसी जिसे कहा जाता है वो हम डील करेंगे, रेगुलेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट, और फिर उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये आज की क्लास के टॉपिक है। इसके बाद में जो मायोसिन वगैरह रहेगा और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा हमारा कंटेंट है एक्टिन फिलामेंट के बारे में जो इस क्लास में हमें डिस्कस करना है। चलिए ठीक है, तो ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, तो ये जो इमेज है ये शो कर रही है आपके साइटोस्केलेटन के लिए। इसको मैं जरा एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी। उससे पहले आप देखेंगे अगर इस इमेज को, तो आपको अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको बस ये दिख रहा है कि कोई सेल है, उस सेल के चारों तरफ आपको एक नेटवर्क दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही आपका साइटोस्केलेटल होता है जो एक टाइप का कैसा नेटवर्क बनाता है। अगर आप सेल में इसकी लोकेशन की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि या तो ये केवल सेंटर में प्रेजेंट होंगे या ये आपके पेरिफेरी में प्रेजेंट होंगे। ये आपका कैसा एक पूरा नेटवर्क होता है जो पूरी सेल में प्रेजेंट होता है, या सेल के सेंटर पार्ट से लेकर इसकी पेरिफेरी पार्ट तक ये फुल्ली एक्सटेंड होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम साइटोस्केलेटल पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने के लिए। तो इसकी जरूरत इसीलिए पढ़ते हैं, इसको जरा एक एग्जांपल से समझिए। जैसे जब हम छोटे होते हैं, मैं स्पेशली बचपन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो दो सिबलिंग्स अगर होते हैं एक ही घर में तो उनमें बड़ा झगड़ा होता है, बड़ी लड़ाई होती है। और मैं कौन से सिबलिंग्स की बात कर रही हूँ जिनमें दो या तीन साल का गैप होता है, बहुत ज्यादा गैप ना हो, अगर वो छोटे एक या दो साल एक दूसरे से छोटे बड़े हों तो उनमें काफी झगड़ा होता है। जैसे मेरा भाई है मुझसे छोटा है, तो जब बचपन में हम दोनों थे तो क्या करती थी, मैं उसको बड़ा पीटा करती थी, कई बार मम्मी से भी पिटवाया करती थी। और वो कैसा था, छोटा था, मासूम सा था, तो वो होता ये था कि मैं जो भी शरारतें करती थी सारा करोड़ उसके गले डाल देती थी, तो बिल्कुल ऐसे ही था। तो जब हम मारपीट एक दूसरे के साथ करते हैं तो आपने कभी क्या ऐसा देखा है कि किसी के फेस पे अगर आप बुरे तरीके से हिट कर रहे हैं तो उसका फेस अगर डैमेज हुआ, तो ऐसा नहीं होता। डैमेज मतलब मैं कैसे डैमेज की बात कर रही हूँ, कि उसका शेप चेंज हुआ हो, तो आप देखेंगे कि शेप चेंज नहीं होता। तो ये किस वजह से नहीं होता, ये उसका सबसे बड़ा रीजन है द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटल। क्योंकि जो हमारा सेल होता है, साइटोस्केलेटल मतलब साइटो मीनिंग सेल एंड स्केलेटल सिस्टम, आप समझते हैं एक पूरा ढांचा होता है। अगर आप बॉडी की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम ही जो है वो बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कराता है, वैसे सेल के अंदर भी जो स्केलेटल सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है साइटोस्केलेटल सिस्टम, वो क्या करता है, सेल के लिए एक शेप प्रोवाइड कराता है। तो थैंक गॉड टू स्केलेटल सिस्टम एंड साइटोस्केलेटल सिस्टम कि ये हमारी सेल के अंदर है, बॉडी के अंदर है, इसीलिए हमारा जो फेस है अगर कोई हमें मार दे, कोई हिट कर दे, तो वो चेंज नहीं होता उसका शेप। डैमेज डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा हिटिंग हुई है तो डैमेज तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आप शेप की बात करें तो वो चेंज नहीं होता। नहीं तो होगा क्या कि बचपन में जब सिबलिंग्स आपस में मारपीट करते हैं तो किसी दिन किसी का चेहरे का शेप दूसरा होता है और अगले दिन जो है वो दूसरा होता है। तो ये इम्पोर्टेंस है आपके साइटोस्केलेटल सिस्टम का कि वो क्या करता है, एक शेप प्रोवाइड कराता है आपकी पूरी सेल्स के साथ। और वहीं पर अगर आप स्केलेटल सिस्टम की बात करें, जो आपका बोनी स्ट्रक्चर होता है वो आपके पूरे जो बॉडी है उसको शेप प्रोवाइड कराता है। तो ये तो एक रीजन हो गया कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट है और बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। जैसा कि आपने देखा कि जैसी हमारी सेल्स है उनको एज इट इज वैसी ही बना के रखना, इसीलिए हम साइटोस्केलेटल के बारे में पढ़ते हैं। एंड दूसरा इसका फंक्शन है मूवमेंट के लिए, ठीक है,
मूवमेंट्स के लिए होता क्या है, इसको भी जरा एक एग्जांपल से समझ। जैसे अभी आप एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं वेदमी, तो आप अपने किसी रूम में बैठ के घर पे ही बैठ के आराम से प्रिपरेशन कर ले रहे हैं। लेकिन जब वेदमी हमारा ऑफलाइन सेंटर में आ जाएगा तो होगा क्या कि हो सकता है शायद आपको यहाँ आना पड़े पढ़ने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है आपका घर होगा या रूम होगा जहां से ट्रेवल करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन प्लेस जैसे वेदमी है वहां पर आएंगे। तो ये जो डेस्टिनेशन प्लेस होता है और आपका जो रूम है या घर है उसके बीच डेफिनेटली एक पाथवे होगा, एक रोड होगा, एक सड़क होगा जिससे ट्रेवल करके आप अपने डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचते। तो साइटोस्केलेटल जो होता है, जब हम मैं आपको बताऊंगी सेल में मूवमेंट्स के बारे में, जो विद इन द सेल आपकी वेसिकल्स का मूवमेंट होता है, तो ये साइटोस्केलेटल होते हैं जो एक रोड प्रोवाइड कराते हैं, जो एक पाथवे प्रोवाइड कराते हैं जहां से वेसिकल्स जो है वो आपकी मूव करती है। तो दो इसके स्पेसिफिक फंक्शन है, एक तो स्केलेटल सिस्टम जैसे आपके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराना, एंड सेकेंड मूवमेंट का है। जैसे सेल में कुछ वेसिकल्स होती है, जब मैं आपको गोल्जी बॉडी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है, पैकेजिंग में काम है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन। तो जब गोल्जी प्रोटीन को पूरे तरीके से पैक कर देता है और उसको कहां जैसे लाइसोसोम का डेस्टिनेशन प्लेस है उस प्रोटीन का, तो जब भेजना रहेगा तो जो रूट जो पाथवे वो ट्रेवल करेगा जिसके थ्रू, वो कैसे बने हुए होते हैं साइटोस्केलेटल, जिसमें स्पेशली होता है माइक्रोट्यूबुल। तो हम एक एक करके ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये बस मैंने आपको इसका स्पेसिफिक दो फंक्शन बताया कि क्यों जरूरत है साइटोस्केलेटल के बारे में पढ़ने के लिए और कैसे ब्यूटीफुली ये जो है सेल के फंक्शन स्पेशली स्ट्रक्चर और मूवमेंट को जो है कंट्रोल करता है। तो आई होप कि आप ये बेसिक चीज समझ गए होंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं साइटोस्केलेटल के बारे में। तो यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सारा का सारा यूकैरियोटिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका वेल डेवलप्ड साइटोस्केलेटल नहीं प्रेजेंट होगा, वहां पर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होंगे जो साइटोस्केलेटल में जैसे एक्टिन फिलामेंट है, आपका माइक्रोट्यूबुल उसके एनालॉग होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि हमें पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ना है, इसीलिए हम इसको यूकैरियोटिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो शुरू कर लें क्या क्लास? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप साइटोस्केलेटल की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये कैसा होता है, एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क तो है लेकिन किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो प्रोटीन में भी या तो ये फिलामेंट हो सकते हैं या ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइटोस्केलेटल जो है उसका नेचर क्या है, वो बना कैसे, तो वो बना होता है आपके प्रोटीन से। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फिलामेंट में प्रेजेंट होगा या ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होगा। वहीं पर अगर हम ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो वो कैसा होता है, हमारा बोनी स्ट्रक्चर होता है, वो बोन से बना हुआ होता है। लेकिन सेल का जो साइटोस्केलेटल है वो प्रोटीन से बना हुआ है और ये बिल्कुल एक्सटेंड होता है कहां से, न्यूक्लियस से लेके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि ये पूरा एक नेटवर्क फॉर्म है जो आपके न्यूक्लियस से लेके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरे में एकदम कैसा एक्सटेंडेड है, आपके नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट है। पहला इसका फंक्शन क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि कैसे जो है स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करता है। ये तो मैंने अभी एक एनालॉजी दी है, इसका पूरा हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे अभी कि कैसे ये पूरा जो है पॉलीमराइजेशन या पूरे फाइबर का फॉर्मेशन होगा और फिर कैसे ये सपोर्ट करेगा स्ट्रक्चरली। तो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में आएंगे तो इसमें क्या होगा, एक तो सेल का शेप होगा, दूसरा ये लोकलाइज्ड करता है आपके सेल ऑर्गेनल्स को। लोकलाइजेशन मतलब क्या है कि जैसे ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा सेल है, तो सेल में न्यूक्लियस की जो पोजीशन है ना वो फिक्स्ड है, उसी से अटैच्ड होता है आपका ईआर और फिर उसी डायरेक्शन में आपका प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी। तो ये तीनों की तीन सेल ऑर्गेनल्स है, इनका क्या है, एक डेस्टिनेशन प्लेस है, इनके रहने के लिए एक जगह है। तो वो जो जगह है कि इनको उसी प्लेस पे स्टेबल रहना है, उसको स्टेबलाइज कौन करता है, साइटोस्केलेटल बांध के रखता है, कौन, साइटोस्केलेटल। क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो अगर साइटोस्केलेटल इनको पकड़ के ना रखे या फिर अटैच्ड ना करवाए एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो ये पूरे में क्या करेंगी, तैरती हुई दिखेंगी।
तो सेल का इसका अगर आप दूसरा फंक्शन देखें, स्ट्रक्चर ही सपोर्ट कराता है लेकिन कैसे लोकलाइज्ड करता है ये आपकी सेल ऑर्गेनल्स को। इसके साथ साथ ये आपके साइटोप्लाज्म का एक जर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपका जो पूरा सेल है, सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसी से जस्ट एसोसिएटेड एंड प्रेजेंट होता है आपका क्या साइटोस्केलेटन। सेकेंड इसका मेजर फंक्शन है मूवमेंट के लिए। तो मूवमेंट कैसा, एक तो सेल का मूवमेंट्स कराता है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट कराता है ऑफ द ऑर्गेनल्स एंड मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। तो मूवमेंट्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स की भी बात करें, तो सेल जो माइग्रेशन की बात आती है, सेल को अगर मूवमेंट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहां पर भी आपका साइटोस्केलेटल रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ इंटरसेलुलर या फिर ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करें विद इन द ऑर्गेनल्स, तो वहां पर भी आपका साइटोस्केलेटल काम करेगा। देन आपका मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में भी साइटोस्केलेटल काम करता है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जो आपका साइटोस्केलेटल है वो डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिसिटी मतलब क्या होता है, मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेक्चर में बताया था कि जो फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर आप ऐसे फाइबर की बात करें, ऐसी लेयर की बात करें जो आपकी फ्लेक्सिबल होती है, जिनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनको अटैच करना एंड डीअटैच करना बहुत आसान होता है, जो फ्लेक्सिबल होते हैं दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इन नेचर। तो आपके जो साइटोस्केलेटल है वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, डायनेमिक इन नेचर होते हैं, जिनको आप इजीली पॉलीमराइज कर पाते हैं, डीपॉलीमराइज कर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप साइटोस्केलेटल के टाइप की बात करें तो थ्री मेन टाइप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एक तो होता है आपका एक्टिन फिलामेंट, दूसरा होता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड थर्ड जो है दैट इज माइक्रोटिब्यूल। तो ये अगर डायमीटर बेसिस पे मैंने डिवाइड किया है, सबसे छोटा डायमीटर आपके एक्टिन फिलामेंट का होता है, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोफिलामेंट। फिर होता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में अगर आप साइज की बात करें तो ये 8 से लेके आपका 11 नैनोमीटर होता है एंड माइक्रोटिब्यूल जो है उसका डायमीटर होता है आपका 25 नैनोमीटर। याद रखिए ये मैं डायमीटर की बात कर रही हूँ, मैं लेंथ की बात नहीं कर रही। डायमीटर आप लोग समझते होंगे, डायमीटर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 × रेडियस। मतलब ये जो आप सर्कल में अंदर ये जो रेडियस से रिलेटेड जब आप लेंथ की बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये उस बेसिस पे है, अब ये स्ट्रक्चर में आपको कंफर्म होगा कि कैसे ये 7 है, ये 8 to 11 एंड ये 25 नैनोमीटर होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये है हमारा साइटोस्केलेटल का कुछ बेसिक कैरेक्टर। और ये जो इमेज है यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू पूरे के पूरे साइटोस्केलेटल को टैग करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। ये बीच का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, बाकी जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपका साइटोस्केलेटल है। इसी में कुछ आपके माइक्रोटिब्यूल्स होंगे, कुछ आपके एक्टिन फिलामेंट होंगे, कुछ आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। चलिए अब हम ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं कि साइटोस्केलेटल जो है वो कैसा होता है, कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे। तो साइटोस्केलेटल के अगर आप फॉर्म की बात करें तो या तो ये थ्रेड शेप में हो सकते हैं या आपके सिलेंड्रिकल शेप में हो सकते हैं। अगर आप थ्रेड की बात करें तो उनको कहा जाएगा फिलामेंट, और फिलामेंट जो है वो आपके दो होंगी, एक तो माइक्रो फिलामेंट होगा जिसकी जो डायमीटर है वो 5 to 7 नैनोमीटर होगी, अनदर वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसमें आपका 8 to 11 नैनोमीटर डायमीटर होगा। और वहीं पर जो टिब्यूल में आप बात करेंगे तो ये माइक्रो टिब्यूल्स होते हैं जिनका डायमीटर क्या होगा, 20 to 25 नैनोमीटर होगा। अगर आप माइक्रो फिलामेंट एग्जाम्पल की बात करेंगे कि माइक्रो फिलामेंट में कौन कौन से साइटोस्केलेटल आते हैं, तो वो है आपके एक्टिन एंड मायोसिन। और वहीं पर अगर आप इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करेंगे तो एक तो लैमिन है, अनदर वन इज केराटिन। तो लेमिन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था जब हम न्यूक्लियर पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियस में जो है इनर मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक इंटरमीडिएट फिलामेंट अरेंज था जिसका नाम था लेमिन और जिसका बहुत ही बढ़िया फंक्शन था। तो हम मैंने उसके 2-4 फंक्शंस भी आपको बताए थे कि कैसे वो शेप प्रोवाइड करा रहा है, कैसे वो आपके हेटरोक्रोमेटिन से अटैच्ड था, तो कैसे वो ऑर्गेनाइज कर रहा था पूरे आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को अपने न्यूक्लियस,
और दूसरा एग्जांपल क्या है, केराटिन है। इसके लिए आप बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे केराटिन और कोलेजन के बारे में। नेक्स्ट है आपका माइक्रोटिब्यूल। तो माइक्रोटिब्यूल का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है सेंट्रियोल, जो आप सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनकी अटैचमेंट के लिए होता है। और स्पिंडल फाइबर, तो अगर आप सेंट्रियोल की बात करें, स्पिंडल फाइबर की बात करें, तो ये एग्जाम्पल है आपके साइटोस्केलेटल में टिब्यूल फॉर्म में माइक्रोटिब्यूल्स। तो ये जो है मैंने आपको पूरा शुरू से लेके आखिरी तक क्लासिफिकेशन या ओवरव्यू बता दिया साइटोस्केलेटल सिस्टम का, कि किस तरीके से उसका पूरा ओवरव्यू है। तो कुछ थ्रेड शेप होंगे जिन्हें फिलामेंट कहा जाएगा, एग्जांपल है माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। कुछ सिलेंड्रिकल इन शेप रहेंगे जो टिब्यूल्स कहलाते हैं, एग्जाम्पल है माइक्रोटिब्यूल। माइक्रोफिलामेंट में आपके एक्टिन एंड मायोसिन आते हैं, वहीं पर इंटरमीडिएट फिलामेंट में लैमिन एंड केराटिन आएंगे। माइक्रोटिब्यूल में आपके सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर आते हैं। अब एक एक करके हमें यही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, जैसे एक्टिन, मायोसिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोटिब्यूल्स, तो एक एक करके हमें इनकी स्टडी करनी है। तो अब उस स्टडी को करने से पहले इन तीनों का हम थोड़ा सा और बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं सारी ही एक साथ आपको डिटेल बताऊंगी। ये जो स्लाइड है ये जस्ट एक ओवरव्यू बता रही है सारे के सारे साइटोस्केलेटल के बारे में, जो आपको अपने माइंड में थोड़ा रिटेन रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाएंगे कि ओवरव्यू इन साइटोस्केलेटल का, तो फिर क्या है ना कि जब हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जरा ध्यान से सुनिए, जैसे तीन कैटेगरी होगी, माइक्रोटिब्यूल होगा, माइक्रोफिलामेंट होगा एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। तो ये आपकी फ्लोरोसेंस स्टेनिंग है पूरे के पूरे साइटोस्केलेटल सिस्टम की। तो माइक्रोटिब्यूल जो वो कुछ आपके टिब्यूल शेप्ड होते हैं। अब एक एक करके जब मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ाऊंगी तो इन सारे टिब्यूल को थोड़ा हाईलाइट करके एक एक करके देखेंगे, लेकिन चूंकि सेल है, सेल में हम अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके का नेटवर्क दिखेगा, फिर आपके फिलामेंट होते हैं, देन आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इन सबको एक साथ स्टेन करोगे तो फ्लोरोसेंस में सिमिलर दिखेगा, लेकिन जब आप इनको एनलार्ज करके देखते हो, किसी पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करते हो, तो आपको पूरा एक ट्यूल शेप्ड दिखता है, पूरा एक फिलामेंट शेप दिखता है। तो ये कैसी है, एक ऐसी इमेज है जिसका मैग्निफिकेशन थोड़ा सा कम है। फिर देखिए अगर आप उसको एनलार्ज करेंगे तो आपको कुछ ऐसी शेप का दिखता है आपका पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम। तो पहला क्या है, माइक्रोटिब्यूल। तो माइक्रोटिब्यूल जैसे नाम से पता है ना, तो ऐसे कुछ ट्यूब बनाता है, ऐसा ट्यूब टनल शेप स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन ये जो टनल है, ये जो ट्यूब है, ये केवल एक फिलामेंट नहीं है, ये आपके कई फिलामेंट मिलके, कई माइक्रोटिब्यूल मिलके एक माइक्रोटिब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कई फिलामेंट मिलके एक माइक्रोटिब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और उस फिलामेंट को कहा जाता है प्रोटोफिलामेंट। और कितने फिलामेंट यहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं, 13 होते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो ये प्रोटोफिलामेंट जो हैं, जिनके पास आपकी अल्फा एंड बीटा टिब्यूलिन यूनिट्स होती है, मतलब क्या है कि एक छोटी सी प्रोटीन की यूनिट है जिसका नाम है अल्फा, एक दूसरी प्रोटीन की यूनिट है जिसका नाम है बीटा, और आपकी जो यूनिट है वो क्या है, वो है टिब्यूलिन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अल्फा है दैट इज अल्फा टिब्यूलिन, जो बीटा है बीटा टिब्यूलिन। तो अल्फा एंड बीटा टिब्यूलिन आपकी प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट्स है जो आपस में अरेंज होती हैं और बना लेती है प्रोटोफिलामेंट। और यही प्रोटोफिलामेंट जब आपस में अरेंज होंगे तो एक टनल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूब शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है माइक्रोटिब्यूल। सेकेंड जो है दैट इज माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसको कहा जाता है जी एक्टिन, जो आपकी मोनोमेरिक यूनिट होती है, और ये जी एक्टिन आपस में अरेंज हो जाते हैं और एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहा जाता है फिलामेंटस एक्टिन। और यही फिलामेंटस, जब दो फिलामेंटस एक्टिन बनते हैं, तो फिर वो आपका कंप्लीट माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही आपका इंटरमीडिएट, तो यहाँ कोई स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होती, ये पूरे के पूरे आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं जो आपस में मिलके प्रोटोफिलामेंट और पूरा आपका बंडल बना लेते हैं एक्टिन फिलामेंट। तो ये सारा हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये क्या है, बस ओवरव्यू है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ये डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस में कैसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ट्यूब्यूल शेप्ड होगा, एक तो हॉलो इन स्ट्रक्चर होगा,
13 प्रोटोफिलामेंट का बना हुआ होता है। आपका क्या माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर होगा। अगर आप इसमें मोनोमेरिक यूनिट्स की बात करें, सबसे छोटी प्रोटीन यूनिट्स की बात करें, तो वो होंगे आपके अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। और ये जो अल्फा एंड बीटा कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं ना कि एक पोलैरिटी बनती है। पोलैरिटी मतलब क्या होता है, इसका एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलग अलग एंड पे होने की वजह से ये एक पोलैरिटी को क्रिएट करते हैं, जो प्लस एंड माइनस एंड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो एनर्जी के लिए सोर्स है वो क्या है, आपका जीटीपी होता है। और अगर आप फंक्शंस की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो मेजर फंक्शन है दैट इज मूवमेंट में, और कहीं ना कहीं जो आपकी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। अब देखिए, सारे के सारे साइटोस्केलेटन ना काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट्स के लिए होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन है जो केवल और केवल आपका माइक्रोट्यूब्यूल ही कैरी करेगा। जैसे आपका क्रोमोसोम मूवमेंट में, जब क्रोमोसोम को दोनों पोल पे जाना रहता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ ड्यूरिंग एनाफेज, तो सारा का सारा जो स्पिंडल फाइबर होता है वो कई का बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। और ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है जो आपके क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं वो आपका माइक्रोफिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं करता, केवल और केवल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, आपका इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, जब हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे तो सेल के अंदर जो वेसिकल्स का मूवमेंट कराना है उसके डेस्टिनेशन प्लेस पे, तो वो भी काम आपका किसका होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। फिर इसके साथ ही आपकी सेल मोटिलिटी में तो ये करता ही है, और आपका पूरा का पूरा मेंटेन करता है सेल के स्ट्रक्चर। दूसरा जो है माइक्रोफिलामेंट है। अब माइक्रोफिलामेंट कैसे बनता है, जब दो एफ एक्टिन जो आपके दो फिलामेंट हैं आपस में जाके अटैच्ड होंगे तब जाके आपका माइक्रोफिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। डायमीटर 7 नैनोमीटर है। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे तो जी एक्टिन होता है। यहाँ पर भी पोलैरिटी क्रिएट होती है क्योंकि एक एंड जो रहता है वो प्लस एंड होता है, अनदर एंड आपका माइनस एंड होता है। एनर्जी रिसोर्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इसका मेजर फंक्शन है। अगर आप मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो वो एक्टिन एंड मायोसिन के थ्रू ही होता है, वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू नहीं होता, इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू नहीं होता, केवल और केवल काई के थ्रू होगा, केवल और केवल आपकी एक्टिन और मायोसिन जो कि आपके माइक्रोफिलामेंट है उनके थ्रू होगा। इसके साथ साथ ये भी आपका सेल लोकोमोशन में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब क्या होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मटेरियल है तो ऑब्वियसली बात है वहां पर कुछ फ्लूइड पार्टिकल होंगे, तो उन पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन में जो है आपका स्पेशली इन्वॉल्व होता है माइक्रोफिलामेंट। साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस मतलब कि जब सेल का डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन के दौरान आपकी दोनों सेल जो है वो सेपरेट हो रही होती है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर भी आपके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और स्ट्रक्चर को तो बिल्कुल मेंटेन करेंगे, प्रोटीन ट्रैफिकिंग में भी ये भी रोल प्ले करते हैं। थर्ड कैटेगरी है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो है कोई स्पेशल बहुत छोटी यूनिट नहीं होती, ये सीधा आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। तो 8 प्रोटोफिलामेंट जब आपस में अरेंज होते हैं तब जाके वो आपका पूरा एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। डायमीटर 8 से लेकर 12 नैनोमीटर हो सकता है। इसकी जो है अलग अलग क्लासेस होती हैं, जब मैं आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ाऊंगी तो कई टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल इंटरमीडिएट फिलामेंट की। यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत छोटी यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। एटीपी का या फिर जीटीपी का हाइड्रोलिसिस भी यहाँ नहीं होता। मेन अगर आप इनके फंक्शंस की बात करें तो ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कुछ इनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो आपको देखते हैं। स्ट्रक्चर और मूवमेंट में तो मैक्सिमम सारे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन है जो केवल माइक्रोट्यूब्यूल करेगा, जो माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट करेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारा का सारा एक बेसिक ओवरव्यू है, इसको आप थोड़ा सा रिटेन करिए माइंड में।
जिससे कि हम जब पढ़ें तो आप कोरिलेट एटलीस्ट कर पाए। आज की क्लास में जैसे हमें माइक्रोफिलामेंट करना है तो आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाए, अच्छा हाइड्रोलिसिस एटीपी का हो रहा है, आपको कंफ्यूजन ना हो कि जीटीपी होगा कि एटीपी होगा। इसके साथ इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी क्या होगी, जी एक्टिन होगी। अल्फा एंड बीटा टिब्यूलिन नहीं होगी, वो माइक्रोटिब्यूल का पार्ट होगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस बता दिया कि तीनों के तीनों साइटोस्केलेटल जो है आपके एग्जाम्पल उनमें क्या डिफरेंस है। अब हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले ये फंक्शन के केस में है तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया है वही चीजें हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब डायग्राम में आप देख रहे होंगे ना तो नंबरिंग होगी, जैसे नंबर वन है, ये भी नंबर वन लिखा, नंबर टू, फिर ये आपका नंबर टू आ गया, यहाँ पर फोर है, कहीं पर थ्री होगा, जैसे ये यहाँ पे है। तो अगर आप इन नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप सेकंड नंबर की बात करें तो वो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट बता रहा है, मतलब जहां जहां भी नंबर वन लिखा हुआ है, जहां फर्स्ट मार्क है, वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है आपके स्ट्रक्चर को एंड सपोर्ट को। जहां जहां भी नंबर टू या सेकंड नंबर लिखा हुआ है वो आपका इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन को बता रहा है। थ्री जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल या मोटिलिटी को दिखा रहा है, और वहीं पर अगर आप फोर्थ की बात करें तो वो आपके स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक प्लेस पर, एक जगह पे किसी भी ऑर्गेनल को फिट कर देना, दैट इज कॉल्ड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो दिखा रहा है। इसके साथ साथ जहां भी आपको येलो कलर की ऐसी लाइनिंग दिख रही है, ये है हमारी एक्टिन फिलामेंट। पिंक कलर का जो आपको पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। एंड ये जो आपको ब्लू कलर का पूरा एक पाइप टाइप टनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, सॉलिड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड माइक्रोटिब्यूल। तो ये तो मैंने ओवरव्यू की सारी चीजें बता दी। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मोटर प्रोटीन। अब आपको तीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है वो है आपका एपिथेलियल सेल्स का, सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो है आपका नर्व सेल्स, एंड जो आपका थर्ड है वो है आपकी डिवाइडिंग सेल, मतलब ये सेल डिवीजन की साइटोकाइनेसिस स्टेज की यहाँ पर बात हो रही है, या फिर आप एनाफेज भी मान सकते हैं क्योंकि अभी सेपरेट हो रहा है क्रोमोसोम, तो बिल्कुल एनाफेज की यहाँ बात हो रही है। तो अगर आप एपिथेलियल सेल्स की बात करें ना तो यहाँ तीनों के तीनों आपके फिलामेंट प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये कैसी सेल है, ये आपकी वेल डेवलप्ड एंड वेल फंक्शनल सेल है। इसी वजह से आप देखेंगे तो एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, इंटरमीडिएट प्रेजेंट होंगे एंड माइक्रोटिब्यूल प्रेजेंट होंगे। तो अगर आपसे कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें केवल आपको सेल दी गई है और नंबरिंग अगर वो कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए फर्स्ट क्या डिनोट कर रहा है, सेकंड क्या डिनोट कर रहा है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए साइटोस्केलेटल की, कि कहां पे कौन सा फाइबर, कौन सा माइक्रोटिब्यूल प्रेजेंट होगा। तो इसको नंबर आप अल्फाबेटिकली भी याद रख सकते हैं, जैसे अगर हम एबीसीडी पढ़े तो सबसे पहले जो आने वाला है अल्फाबेटिकली दैट इज ए, उसके बाद आता है आई और होता है माइक्रोटिब्यूल। तो वैसे ही अरेंज होते हैं। अगर आप सबसे इनिशियली बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसका होता है, सबसे ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन आउटर साइड किसकी होती है, तो दैट इज आपका एक्टिन फिलामेंट, और उसी से जस्ट अटैच्ड होता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये फैले पूरी सेल में होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो एक्टिन के लिए सबसे ज्यादा आपका एपिकल सर्फेस होता है, वहीं से अटैचमेंट होता है आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट का। और माइक्रोटिब्यूल का काम क्या है, मूवमेंट के लिए, तो ये आपके उन दोनों के बाद आते हैं, और ये पूरी सेल में कैसा एक रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे जहां से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये एपिथेलियल की बात हो गई। अब अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो वहां पर भी आपके मोटर प्रोटीन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोटिब्यूल एंड एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। अगेन अगर आप इनकी लोकेशन देखें तो ये पूरा का हमारा डेंड्राइड होगा। अगर आप इसकी एपिकल सर्फेस की बात करें तो एक्टिन फिलामेंट होगा, फिर आपके ये माइक्रोटिब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है अरेंज होते हैं। चलिए अब थर्ड जो है दैट इज डिवाइडिंग सेल। तो डिवाइडिंग सेल में आपका एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ आपके माइक्रोटिब्यूल अटैच्ड यहां पर होंगे
यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। ये चीज आप याद रखिए कि जब भी हम डिवाइडिंग सेल्स की बात करेंगे तो एक तो माइक्रोटिब्यूल और दूसरा जो है दैट इज एक्टिन फिलामेंट। तो माइक्रोटिब्यूल का फंक्शन एनाफेज में आएगा जब क्रोमोसोम को सेपरेट करना है। एक्टिन फिलामेंट जो है वो एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन करता है जो साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन के टाइम काम आता है। तो इस चीज को जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सी सेल्स में, एपिकल सेल्स में आपके तीनों प्रेजेंट है, नर्व सेल्स में भी, लेकिन जब आप डिवाइडिंग सेल्स की बात करें तो जो एक्टिन फिलामेंट होता है साथ ही साथ जो आपके माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं ये आपके प्रेजेंट ज्यादा होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट डेफिनेटली यहाँ प्रेजेंट होगा लेकिन बहुत कम होगा या न्यूड होगा, उस वजह से हम इसको एज अ एक्सेस। चलिए अब हमने इतना पढ़ लिया है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, जरा इसको सॉल्व करिए। चलिए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बस फंक्शंस के बारे में है। तो अगर वो टेबल आप अच्छे से याद रखेंगे तो उसी से ही आपका काम बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोटिब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट है, इनका क्या क्या फंक्शन हो सकता है। तो इंटरमीडिएट अगर आप फिलामेंट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया जब हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो हमारा पूरा क्रेडिट किसे जाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए, क्योंकि माइक्रोटिब्यूल एक्टिन फिलामेंट स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट्स के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन जहां स्ट्रेंथ की बात आती है तो वो प्रोवाइड कराता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो फर्स्ट का जो है वो होना चाहिए क्या, थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड या तो आपका सी आंसर हो सकता है या डी हो सकता है। अगेन हम थोड़ा सा पढ़ते हैं माइक्रोटिब्यूल के बारे में। तो माइक्रोटिब्यूल के लिए कैसा है कि ये क्या शेप तो बिल्कुल डिटरमाइन करते हैं माइक्रोटिब्यूल भी एंड एक्टिन फिलामेंट, और दूसरा बता रहा है सेल लोकोमोशन के लिए। अब सेकंड अगर हम पढ़ेंगे तो ये मेंटेन करता है पोजीशन को जो आपकी सेल ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है, और प्रोवाइड करता है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट को। तो बिल्कुल जब हम इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया जब गोल्जी से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी भी प्रोटीन वेसिकल्स का तो उसके लिए जो रोड प्रोवाइड कराएगा वो कौन होगा, वो होगा आपका माइक्रोटिब्यूल। तो जो ऑप्शन बी है वो एकदम इसके लिए करेक्ट है। और अगर आप थर्ड एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो एक्टिन फिलामेंट बिल्कुल डिटरमाइन करता है शेप को, सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है जैसे कि अभी हमने देखा कि जो सबसे आउटर मोस्ट होगा जो सरफेस पे होगा एक्टिन होगा, और साथ ही साथ ये सेल लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका थर्ड होगा। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। और कुछ नहीं करना है, वो जो अभी आपको कंपेरिजन दिखाया है टेबल वाला उसी को अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो उससे ये वाले जो क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन या कोई अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व हो जाए। चलिए अब मैं शुरुआत कर लेती हूँ। तो शुरू में हम थोड़ा सा जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ये सारा आप माइक्रोबायोलॉजी में पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पर बस मैंने आपको कुछ एनालॉग शुरू कर दिए हैं, जैसे अगर आप एम आर ई बी की बात करेंगे तो जो आपका एम आर ई बी है वो आपका एक्टिन का एनालॉग है, और प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है आपके रॉड शेप बैक्टीरिया पे, जैसे कुछ ये वाले बैक्टीरिया इकोलाई एंड जो आपके रॉड के शेप में है। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉपर साइटोस्केलेटल तो प्रेजेंट नहीं होता, पूरा सिस्टम यहाँ नहीं है, यहाँ पर बस कुछ ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटल के जो आपके जैसे एक्टिन के एनालॉग है, लेकिन उनका नाम क्या है, एम आर ई बी। तो अगर आपसे ऐसा भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्या है, जैसे टिब्यूलिन हो तो टिब्यूलिन का एनालॉग जो है वो है आपका एफ टी एस जेड,
एफटीएसजेड जो है वो आपके स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इसका काम क्या होता है कि सेल डिवीजन जहां से आपकी बैक्टीरिया सेल डिवाइड करेगी वहां पर बेसिकली उस प्लेस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का एनालॉग है जिसे क्रिस्टेंसिन कहा जाता है, और इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है सेल के शेप को, और प्रेजेंट कहाँ होगा, जो आपके कर्व शेप बैक्टीरिया होंगे ऐसे, तो ये यहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये जो आपको येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है MREB है, जो आपका क्या फंक्शन करेगा, जो आपके बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा। वहीं पर अगर आप स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया में आएंगे तो एक साइटोस्केलेटल ट्यूबुलिन का एनालॉग यहाँ प्रेजेंट होगा, FTSZ जो सेल डिविजन को डिटरमाइन करता है। और वहीं पर अगर आप कर्व्ड शेप्ड बैक्टीरिया की बात करेंगे तो ये जो आपको रेड दिख रहा है, ये जो रेड लाइन है, इसी को कहा जाता है क्रिसेंटिन, और इसका काम क्या है, शेप को प्रोवाइड कराना, सेल के शेप को डिटरमाइन। तो ये इसमें बस इतना ही आपको जानना है, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये स्लाइड रखने का पर्पस बस ये था कि जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक का साइटोस्केलेटल सिस्टम होता है वो एकदम अलग होता है, प्रोकैरियोट्स में पूरा सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, बस कुछ ही प्रोटीन अगर वो एनालॉग है साइटोस्केलेटल के काम हो जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पूरा का पूरा आपका नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम अपने पहले टाइप जिसे एक्टिन फिलामेंट कहते हैं या माइक्रोफिलामेंट कहते हैं उस पर स्विच करते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है एक्टिन फिलामेंट की, जैसे अभी आपने देख लिया डायमीटर 7 नैनोमीटर इन डायमीटर ये प्रेजेंट होगा। अगर आप अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात करें तो कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, 375 अमाइनो एसिड्स का पूरा आपका एक्टिन फिलामेंट बना हुआ होता है। मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 42 से 43 किलो डाल्टन होगा। ये आपका हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं, ये आपका बहुत कंजर्व्ड है। इसके साथ साथ ये काफी अबंडेंट प्रोटीन है, अगर आप सेल में प्रोटीन की बात करें तो जो आपका 5 से लेकर 10% प्रोटीन होता है वो आपका एक्टिन फिलामेंट ही होता है। इसके साथ साथ ये जब सबसे पहले सिंथेसाइज होते हैं तो वो कैसे होते हैं, आपके ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके रफली यू शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। और अगर मैमल में आप एक्टिन जीन की बात करें तो 6 टाइप के जीन प्रेजेंट होंगे जो एक्टिन फिलामेंट बनाएंगे, उसमें से 4 जीन आपके कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, मसल सेल्स में, और बाकी के जो 2 जीन होंगे वो आपके कहाँ एक्सप्रेस होंगे, नॉन मसल सेल्स में। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं। साइज क्या है, कितने अमाइनो एसिड से बना हुआ होगा, हाईली कंजर्व्ड, अबंडेंस की बात करें तो पूरे सेल में 5 to 10% प्रोटीन जो है वो आपका एक्टिन फिलामेंट होगा। अगर आप सिंथेसिस की बात करें तो ये ग्लोबुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। अगर आप मैमल में जीन की बात करें तो 6 जीन होंगे, 4 जो है वो एक्सप्रेस होंगे इन मसल सेल्स एंड 2 जो है वो आपकी नॉन मसल सेल्स में प्रेजेंट होंगे या एक्सप्रेस होंगे। और सारे के सारे जो एक्टिन फिलामेंट है, अगर आप एक एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो ये आपस में कैसे अटैच होके क्या फॉर्म करते हैं, बंडल फॉर्म करते हैं जिनको कहा जाता है एक्टिन बंडल, इनके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे ये जो है पूरा उसका लेंथ शो कर रहा है, लेकिन अगर आप डायमीटर की बात करें तो वो 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होगा। इसकी जो छोटी सी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिन्हें जी एक्टिन मोनोमर कहा जाता है या ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अगर आप एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर ATP जो है वो एज एनर्जी रिसोर्स यूज किया जाता है और ATP की हाइड्रोलिसिस होती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पूरे के पूरे एक्टिन फिलामेंट का। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको 2 लेयर दिख रही होंगी कुछ इस तरीके से, तो 2 जो है यहाँ पर 2F एक्टिन मिलके जो है आपका क्या बनाते हैं, एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये कैसे होता है आगे चल के हम पढ़ेंगे। चलिए, तो अगर आप इसके शेप की बात करें तो जैसे कि देखिए एक्टिन फिलामेंट है ये पूरा का पूरा, ये आपकी मोनोमर यूनिट है जिनको कहा जाता है जी एक्टिन, और ये आपके क्या है ग्लोबुलर, जी मतलब यहाँ पर ग्लोबुलर कहा गया है बेसिकली, तो ये क्या है आपका जी एक्टिन है। इसके 2 आपको पॉइंट दिख रहे होंगे,
एक जो पॉइंट है, अगर आप एक एंड की बात करें, मैं पॉइंट नहीं कहूंगी एंड कहूंगी, तो एक एंड जो है वो आपका कैसा है, पॉइंटेड है। तो पॉइंटेड है इसीलिए इसको कहा जाता है पॉइंटेड एंड, जो आपका होता है नेगेटिव एंड। और यहीं पर क्या होता है, एटीपी का फाउंडेशन होता है, या एटीपी आपकी यहीं पर आके करती है बाइंड। और इसीलिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ यू शेप्ड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, प्रॉपर यू शेप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा सा आपको दिखता है, तो इसलिए इसको यू शेप्ड कहा जाता है। तो ये आपका क्या हुआ कि पूरा का पूरा जी एक्टिन है, जी एक्टिन के दो एंड होंगे, पहला आपका पॉइंटेड एंड होगा जिसे नेगेटिव एंड कहा जाता है, माइनस एंड कहा जाता है, और ये आपका एटीपी बाइंडिंग साइड होता है। दूसरा जो एंड है ये वाला एंड, इसको कहा जाता है बार्ब्ड एंड, और ये जो बार्ब्ड एंड होता है यही आपका पॉजिटिव एंड होता है, जहां पर आपका पॉइंटेड एंड आके अटैच्ड होता है, और ये आपका फास्ट ग्रोइंग साइड होता है, इसीलिए से पॉजिटिव एंड है जो वो फास्ट ग्रोइंग है, नेगेटिव एंड जो है वो आपका स्लो ग्रोइंग एंड होता है। तो ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो पहली चीज तो आपको इनके एंड के बारे में जानना है कि जो पॉइंटेड एंड होगा वो आपका नेगेटिव एंड होता है, जो आपकी एटीपी से बाइंड होगा, वहीं पर दूसरा एंड जो आपको दिख रहा है वो आपका बार्ब्ड एंड है, जहां पर पॉइंटेड एंड जाके अटैच्ड होता है, और ये आपका पॉजिटिव एंड भी कहा जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक तो इसमें पॉलीमराइजेशन होगा, तो सारी जो एफ एक्टिन या जो मोनोमर है वो आपस में आके अटैच्ड होंगे और आपका एक फिलामेंट बनाते हैं, और वैसे ही इनमें क्या होता है डीपॉलीमराइजेशन भी होता है, तो मतलब मोनोमर से फिलामेंट भी बन सकता है, फिलामेंट से मोनोमर भी बन सकता है, और के एन मतलब बेसिकली ये काइनेटिक को शो कर रहा है। तो जब आपका ऑन लिखा है मतलब पॉलीमराइजेशन होगा, और जैसे ही पॉलीमराइजेशन ऑफ हो जाएगा तो आपके मोनोमर का फॉर्मेशन होता है। तो अभी बस आपको स्मॉलेस्ट यूनिट, साथ ही साथ उनके एंड का क्या नाम है, कैसे उनमें एंड प्रेजेंट होते हैं वो आपको याद रखना है। चलिए अब इसके बाद एक एक करके हम थोड़ा सा जी एक्टिन के बारे में जान लेते हैं कि जी एक्टिन क्या है। तो जी एक्टिन का फुल फॉर्म क्या होगा, जी मतलब है ग्लोबुलर एंड एक्टिन ये आपका कैसा मोनोमेरिक फॉर्म है। अगर आप एफ एक्टिन में स्मॉलेस्ट सब यूनिट की बात करें तो वो आपका जी एक्टिन होता है, जो आपकी मोनोमेरिक यूनिट होती है। और ये जो आपके एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक आपका Mg2+ आयन बाइंडिंग साइड होती है, और ATPase एक्टिविटी भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉइंटेड एंड है वहां पर आपका ATP बाइंड होगा, तो ATP की हाइड्रोलिसिस भी होगी, दैट इज कॉल्ड ATPase एक्टिविटी। और साथ ही साथ कुछ कैटायनिक बाइंडिंग साइड भी होता है, जिसे कहा जाता है Mg2+ आयन यहाँ पर स्पेशली बाइंड करता है। जी एक्टिन जो है ना, यहाँ पर अभी मैं स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी कि दो लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये जो लोब है वहीं पर एक डीप क्लेफ्ट स्ट्रक्चर होता है, जो आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। जी एक्टिन का अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर दो लोब से मिलके वो बना हुआ होता है, और उसी क्लेफ्ट के अंदर आपका एटीपी एंड Mg2+ आयन बाइंडिंग साइट होती है। क्लेफ्ट का जो फ्लोर होता है उसी को कहा जाता है आपका हिंज रीजन। और यहाँ पर होगा क्या कि विदाउट बाउंड, अगर आप किसी जी एक्टिन की बात करें और वो आपके न्यूक्लियोटाइड मतलब एटीपी से बाइंड नहीं है, तो वो क्विकली डीनेचर्ड हो जाता है, डीपॉलीमराइज हो जाता है। वहीं पर अगर किसी सोल्यूशन में आप कैटाइन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते, जैसे Mg2+ आयन है, K+ आयन, पोटेशियम एंड सोडियम आयन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप बढ़ा देते हैं सोल्यूशन में, इनको ऐड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, जी एक्टिन का क्विकली पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और एफ एक्टिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट सब यूनिट आपकी क्या है, मोनोमर है, जिसे जी एक्टिन या फिर ग्लोबुलर एक्टिन कहा जाता है। इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइड होता है, Mg2+ आयन मतलब कैटायनिक बाइंडिंग साइड होता है। अब अगर आप जी एक्टिन की बात करें, उसमें न्यूक्लियोटाइड जो आपके एटीपी जो है वो बाउंड नहीं है, तो वो कैसे होंगे, क्विकली डीनेचर्ड हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप सोल्यूशन में
Mg2+ या कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो जी एक्टिन जो है वो क्विकली कैसे हो जाएंगे, पॉलीमराइज हो जाएंगे और एफ एक्टिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताया अभी हम बात कर रहे थे, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक जी एक्टिन है, एक जी एक्टिन है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो दो लोब प्रेजेंट होंगे, एक लोब फर्स्ट जैसे ये है एंड सेकंड लोब जो है वो ये है, तो कुछ इस तरीके से ये आपका एक लोब दूसरा लोब, एंड हर एक लोब के पास आपके दो सबडोमेन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे लोब की बात करी जाए तो यहाँ पर दो लोब प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर आपसे सब डोमेन की बात कर ली जाए तो फोर सब डोमेन यहाँ प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और बीचों बीच जो आपका क्लेफ्ट है वहां पर आपकी एटीपी बाइंडिंग साइड होती है। ये देखिए ये पूरा का पूरा आपका क्लेफ्ट है, बीच का रीजन जहां पर एटीपी बाइंडिंग साइड होगी और आपकी कैटायनिक बाइंडिंग साइड होती है। तो एटीपी जो है वो आपका जी एक्टिन से बाउंडेड होगा तो पॉलीमराइजेशन होगा, वहीं पर अगर ये जी डीपी से एडीपी से बाउंड होगा तो आपका डीपॉलीमराइजेशन होता है। तो ये कैसे होगा हम आगे बात करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर मेंशन है कि अगर आप पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो मोनोमर है इसके स्ट्रक्चर में आपका 2.5 मतलब कि ये पूरा आपका लेंथ विद डायमीटर का दिया हुआ है रेशियो, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर सब डोमेन की बात करें तो आपका एक से लेके 4, 1, 2, 4 सबडोमेन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो बीचों बीच का स्ट्रक्चर होगा जिसे क्लेफ्ट कहा जाता है वहीं पर आपकी एटीपी वाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। अब एफ एक्टिन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। एफ एक्टिन क्या है कि पहले इसका फुल फॉर्म एफ मतलब फिलामेंटस एक्टिन कहलाता है, जो एक लीनियर चेन होता है। बहुत सारी जो आपकी जी एक्टिन की सब यूनिट्स होती है वो आपस में अरेंज होंगी तो आपका एक स्ट्रक्चर बनता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसे एफ एक्टिन कहा जाता है। ये आपकी रिवर्सिबली अटैच्ड होते हैं, असेंबल होते हैं। तो मतलब ये क्या है कि आपका अरेंज असेंबल भी हो सकते हैं और साथ ही साथ डी अटैच भी हो सकते हैं। और अगर आप पूरे फिलामेंट एफ एक्टिन की बात करें तो यहाँ दो हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस तरीके से एक एफ एक्टिन और दूसरा एफ एक्टिन अरेंज होता है एक के ऊपर एक ही, तो तब जाके ये पूरा आपका क्या बना लेता है एक्टिन फिलामेंट। एफ एक्टिन की अगर आप बात करें तो ये यहाँ पर क्या पोलैरिटी प्रेजेंट होती है क्योंकि इसका एक एंड जो है जैसे अभी हमने देखा प्लस एंड होगा, दूसरा एंड नेगेटिव एंड होगा। जो प्लस एंड होगा वो हमारा बार्ब्ड एंड कहलाता है और जो नेगेटिव एंड होता है वो कहलाता है हमारा पॉइंटेड एंड। इसके साथ अगर आप सब यूनिट्स की बात करें मतलब ये पूरा का पूरा जो दोनों फिलामेंट है इसके पास कितने एफ एक्टिन प्रेजेंट होंगे तो अगर आप एक एफ एक्टिन की बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट 14 आपके जी एक्टिन मोनोमर जब आपस में अरेंज होंगे तो एक एफ एक्टिन बनाता है। तो अगर हम फुल्ली स्ट्रक्चर की बात करें एक्टिन फिलामेंट की तो दो से मिलके बना हुआ है तो एक में 14 प्रेजेंट होंगे एंड सेकंड जो रहेगा उसमें भी आपका 14 प्रेजेंट होगा तो टोटल कितना होगा 28। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिन में बताइए कि टोटल कितने मोनोमर प्रेजेंट होंगे तो आप 28 कहेंगे, वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक फिलामेंट में या फिर एफ एक्टिन में कितने जी मोनोमर प्रेजेंट होंगे तो आप बताएंगे 14। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके साथ साथ एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट के बारे में आप बात करेंगे तो हर एक एक्टिन जो सब यूनिट्स होती है वहां पर एटीपी बाइंडिंग रीजन भी प्रेजेंट होता है जो आपके नेगेटिव साइड पे प्रेजेंट होगा। नेगेटिव एंड जो पॉइंटेड एंड होगा भी मैंने आपको बताया था वो एटीपी बाइंडिंग होगा, उसी के जस्ट जो अपोजिट रीजन होगा वो आपका प्लस एंड या बार्ब्ड एंड कहलाता है। अब एक्टिन के बारे में ही जैसे अभी मैंने बताया आपको वो बेसिक कैरेक्टर्स थे, यहाँ पर दो रिएक्शंस होंगी पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन। ये सारा भी आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर हो जाएगा, ये बस इंफॉर्मेशन है और ये आपको रिटर्न फॉर्म में इसीलिए दी जा रही है जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़े हैं अभी साइटोस्केलेटल के बारे में, तो कम से कम वो ये सारा चीज अच्छे से पढ़ पाए। तो अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको पूरा असेंबली एंड डिसअसेंबली के बारे में बताऊंगी कि कैसे एसोसिएट होंगे एंड डिटैच होंगे।
तो एफ एक्टिन में क्या होता है, एक तो एसोसिएशन होता है जिसे पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, डिसोसिएशन होता है जिसे डीपॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो पॉलीमराइजेशन के केस में जी एक्टिन और एटीपी, मतलब जहां भी जी एक्टिन प्लस एटीपी लिखा है तो आप समझ जाइए कि वहां पर एसोसिएशन की बात हो रही है, और जहां पर जी एक्टिन प्लस जीडीपी नहीं होना चाहिए, एडीपी होना चाहिए यहाँ पे। ये जरा सुधार लीजिएगा, ये गड़बड़ है, टाइपिंग एरर है, क्या है, एडीपी होना चाहिए। तो ये कैसा होगा, डीपॉलीमराइजेशन यहाँ पर होगा। दो एंड प्रेजेंट होती है, प्लस एंड जो है वो आपका बाग एंड है, जहां पर पॉलीमराइजेशन रेट हायर होती है एंड डीपॉलीमराइजेशन रेट लोअर होती है। वहीं पर दूसरा एंड माइनस एंड है, जिसे पॉइंटेड एंड कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन रेट बहुत कम होगा एंड डीपॉलीमराइजेशन रेट बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्लस एंड एंड नेगेटिव एंड दोनों की जगह पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। आप ये नहीं कह सकते कि पॉलीमराइजेशन जो केवल और केवल प्लस एंड पे होता है, नेगेटिव एंड पे नहीं होता। ये दोनों प्रोसेस जो है आपकी दोनों एंड पे चलेंगी, मतलब प्लस एंड पे पॉलीमराइजेशन भी होगा, डीपॉलीमराइजेशन भी होगा। लेकिन अगर आप रेट की बात करें तो हायर रेट है आपका पॉलीमराइजेशन का, इसीलिए जब हम नेट रेट बात करते हैं तो कह देते हैं कि प्लस एंड पे पॉलीमराइजेशन होता है। वहीं पर नेगेटिव एंड में अगर आप देखेंगे तो हायर रेट है आपका डीपॉलीमराइजेशन का, इसीलिए हम कह देते हैं कि जो नेगेटिव एंड है वहां पर डीपॉलीमराइजेशन होता है। लेकिन दोनों रिएक्शन होंगी दोनों एंड पे, बस रेट जिसका ज्यादा होगा उस बेसिस पे हम कह देते हैं कि प्लस एंड पॉलीमराइजेशन करता है, नेगेटिव एंड जो है वो डीपॉलीमराइजेशन करता है। इसके साथ एटीपी बाइंडिंग साइड आपकी क्या है, नेगेटिव एंड, जो कि आपका पॉइंटेड एंड होता है। तो कुछ इस तरीके का पूरा आपका फिलामेंट होगा। अगर आप बात करें तो ये जैसे आपका फर्स्ट एफ फिलामेंट है, एफ एक्टिन में लिख दे रही हूं, और अगर आप इसको जो है वो सेकंड या दूसरा एफ एक्टिन मान ले रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ मैं रिवीजन के फॉर्म में बता रही हूँ। इसमें कितना मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होगा, 14 है, 14 तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, इससे कम ज्यादा हो जाता है। ये आपकी एक स्टैंडर्ड रेंज है कि एटलीस्ट 28 आपका होना ही चाहिए, तब जाके वो आपका पूरा फिलामेंट कहलाएगा। साथ ही साथ आपका जो प्लस एंड है वो कौन सा एंड होगा, प्लस एंड होगा आपका बार्ब एंड। ये अच्छे से याद रखना, इसी क्लास में याद रख लीजिए। और जो प्लस एंड होगा वो आपका फास्ट ग्रोइंग एंड होगा। नेगेटिव एंड कैसा होता है, आपका पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड एंड, और साथ ही साथ यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। और अगर आप इसके पूरे डायमीटर की बात करें यहां से लेके यहां तक, तो कितना होगा, दैट इज 7 नैनोमीटर। तो इतना ही हमने पढ़ा है, बस एंड को अच्छे से याद रखिए, कहाँ पॉलीमराइजेशन रेट ज्यादा है, कहाँ पर आपका डीपॉलीमराइजेशन रेट ज्यादा है, और क्यों प्लस एंड पॉजिटिव एंड जो है वो फास्ट ग्रोइंग है, और क्यों नेगेटिव एंड जो है आपका वो लेस ग्रोइंग है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर एक इनविट्रो एक्सपेरिमेंट की बात करिए, मतलब ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं है, इनविट्रो कंडीशन है। दो टर्म आते हैं, एक तो कहलाता है इनविट्रो और दूसरा टर्म जो है दैट इज इन वीवो। तो जो आपका इन विट्रो होता है, जब हम सेल के बाहर की बात करते हैं, आउटसाइड द सेल, इसको जरा अच्छे से याद रखिएगा, आउटसाइड द सेल, और ये क्या है आपका इनसाइड द सेल। तो जब आप नेचुरल एनवायरमेंट की बात करते हैं ना, कोई ऐसी प्रोसीजर है जो सेल के अंदर हो रही है, तो वो आप कह देते हैं कि इन विवो प्रोसेस है। और वहीं पर जब आप इन विट्रो बात करते हैं, मतलब आपने सेल के बाहर जो है किसी भी प्रोसेस को आप रन कर रहे हैं, और उसको बस आपने वैसा एनवायरमेंट दिया है जैसा आपके सेल के अंदर का एनवायरमेंट था। तो जब आप कभी भी किसी बायोलॉजिकल सिस्टम से बाहर एक सिस्टम को जनरेट करके प्रोसेस देखते हैं, दैट इज इन विट्रो, और इन विवो मतलब आपका नेचुरल प्रोसेस है, इनसाइड द सेल या इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम आप उसको कैरी कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग टर्म होते हैं। अब देखिए जरा, तो वो एक इनविट्रो स्टडी है देखने के लिए कि भाई जो जी एक्टिन है
वो कैसे एटीपी के साथ बाइंड कर रहा है, फास्ट पॉलीमराइजेशन कर रहा है, डीपॉलीमराइजेशन कर रहा है, उसी को लेके एक इनविट्रो एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया गया जो बताता है एक्टिन की पॉलीमराइजेशन रेट के बारे में। तो क्या किया गया कि एक्टिन फिलामेंट लिया गया, इसको मेंटेन किया गया है एक बफर के अंदर जहां पर एटीपी और कैटायन का लो कॉन्सेंट्रेशन है। सुनते चलना, एक ऐसा आपको सोल्यूशन दिया गया, जैसे ये एक बीकर है, इसमें आपका सोल्यूशन है जहां पर आपने क्या क्या ऐड कर दिया। एक तो आपने जी एक्टिन ऐड किया है और साथ ही साथ आपने लो कॉन्सेंट्रेशन दी है किसकी, कैटायन की और एटीपी की, और एटीपी की। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, एटीपी था और दूसरी एक कैटायनिक बाइंडिंग साइट भी थी। जब तक वो नहीं रहेगी तब तक आपकी एटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो वो दोनों होना जो है वो बहुत उन दोनों की प्रेजेंस जो है वो जरूरी है। जब ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे तभी जाके आपका पॉलीमराइजेशन होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट की पहली सिचुएशन में दोनों का ही लेवल कम है। तो अगर लो लेवल है ऑफ द कैटायन तो जी एक्टिन जो है वो नॉट पॉलीमराइज। यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, नॉट पॉलीमराइज, मैंने यहाँ पर डी पॉलीमराइजेशन नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो ये तीनों टर्म एकदम अलग अलग है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, पॉलीमराइजेशन, नॉट पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन। मतलब नॉट पॉलीमराइजेशन की मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जहां पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा, एट द सेम टाइम डी पॉलीमराइजेशन से हमारा लेना देना नहीं है। हमने बस एक ये सेंटेंस कहा है कि पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। अब डी पॉलीमराइजेशन होगा या नहीं होगा वो एक दूसरी प्रोसेस है, लेकिन जो टर्म है नॉट पॉलीमराइजेशन वो केवल इतना कह रहा है कि पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। कई जगह हम नॉट पॉलीमराइजेशन लिखते हैं, कई जगह हम डी पॉलीमराइजेशन लिखते हैं, लेकिन उसको लिखने का जो है वो अलग अलग सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या है, कैटायन का जब हमने कॉन्सेंट्रेशन लो किया तो पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ, दैट्स इट। सेकंड टाइम हमने क्या कर दिया कि हाई लेवल कर दिया कैटायन का, कितना बढ़ा दिया, 100 मिली मोल पोटेशियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम भी डाला। और एक चीज ये देखिए, यहाँ पे अगर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब 100 मिली मोल, वहीं पर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, 2 मिली मोल। तो ये इसीलिए किया गया क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम होता है वो कैसे आपके वाई वैलेंट होते हैं, वाई वैलेंट कैटायन होते हैं, और वहीं पर अगर आप पोटेशियम की बात करें तो वो यूनी वैलेंट कैटायनिक है। तो उनकी कैटायन वैलेंसी के बेसिस पे अगर आप कम कॉन्सेंट्रेशन भी इस्तेमाल करेंगे तो इजीली जो है वो आपका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो इस वजह से ये अगर मोनो और वाई में जब हम कॉन्सेंट्रेशन में डिप करते हैं तो मोनो का हमेशा कम होता है और वाई का जो मोनो का हमेशा ज्यादा होता है, वाई का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हाई लेवल कर दिया कैटायन का तो इजीली पॉलीमराइजेशन हो गया। क्यों, क्योंकि एटीपी जो है इजीली अटैच्ड हो जाएगा, तो क्या होगा आपका पॉलीमराइजेशन भी बहुत आसानी से होगा। साथ ही साथ क्या होता है, द काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन वो डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी एक्टिन पे। मतलब वो कैटायन एटीपी के कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक चीज क्या पता चली कि जो जी एक्टिन है यही तो हीरो है हमारे पॉलीमराइजेशन का, है ना। अगर जी एक्टिन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या एटीपी करेगा, क्या कैटायन करेगा। तो जो आपका जी एक्टिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि पॉलीमराइजेशन रेट कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो वो ही तीन चीज यहाँ पे लिखी कि इनविट्रो एक्सपेरिमेंट में हमें इन तीनों चीजों के बारे में पता चला कि अगर हम कैटायन का एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देंगे लो पॉलीमराइजेशन होगा, वहीं पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे हाई पॉलीमराइजेशन होगा। लेकिन ये सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी एक्टिन। अब थ्री फेजेस होती है पॉलीमराइजेशन की, कौन कौन सी फेजेस होती है, पहली है न्यूक्लिएशन, दूसरी है एलोंगेशन एंड तीसरी है स्पीडी स्टेट। तो ये जो तीन फेजेस है ना ये कैसे आपकी इनिशिएट करती है पॉलीमराइजेशन को वो हमें अच्छे से देखना है। तो पहली फेज क्या है, न्यूक्लिएशन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना है, तो बिल्कुल वैसे ही होता है।
ये जो जी एक्टिन है ना, जब ये जी एक्टिन आपस में दो या तीन जी एक्टिन प्राइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो जब तीन जी एक्टिन आपस में मिलेंगे प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, और इसी ट्राइमर को कहा जाता है न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या है, एक शीड है, और ये एज अ बीज काम करता है। ये न्यूक्लियस जो है एक बेस प्रोवाइड कराता है फॉर द एलोंगेशन। इसीलिए जो सबसे पहली फेज है दैट इज न्यूक्लिएशन, और इसको बनने में काफी समय लगता है कंपेयर टू एलोंगेशन। इसीलिए अगर आप ग्राफ भी देखेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो लैग फेज जो है यहाँ पर काफी ज्यादा उसका टाइम पीरियड होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लिएशन है, ये जो थ्री आपके जी एक्टिन है, इनके अटैचमेंट में स्टेबलाइजेशन में काफी टाइम लगता है। तो जैसे ही एक बार ये ट्राइमर बन जाता है, आपका न्यूक्लियस बन जाता है, फिर आपका एलोंगेशन फेज आता है, जो आपका काफी फास्ट फेज होता है। और यहाँ पर दोनों एंड पे अगर आप कह दें कि ये आपका प्लस एंड है और ये आपका माइनस एंड है, तो दोनों एंड पे केवल पॉलीमराइजेशन ही होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, अगर आपसे पॉलीमराइजेशन का पूछा जाए कि ऐसी कौन सी फेज है जहां पर केवल और केवल पॉलीमराइजेशन होता है, तो दैट इज आपका एलोंगेशन फेज। न्यूक्लिएशन में तो केवल तीन न्यूक्लियस अटैच्ड हो गए, दैट्स इट। लेकिन सबसे ज्यादा जो हायर पॉलीमराइजेशन रेट है वो एलोंगेशन में, और यहाँ पर डी पॉलीमराइजेशन बहुत कम होता है, बहुत लैकिंग होती है, तो कई बार यहाँ एब्सेंट भी कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एलोंगेशन, यहाँ पर हमें फाइबर को बहुत ज्यादा बढ़ा करना है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा होगा। जो थर्ड फेज होगी, स्पीडी फेज होगी, यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइबर को स्टेबलाइज कर देना है। स्पीडी स्टेट मतलब आप समझते होंगे, सैचुरेशन के बारे में बात होती है, स्टेबल फेज के बारे में बात होती है। तो स्टेबल फेज तब होगा जब आपका पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन दोनों के दोनों यहाँ पर होंगे। तो वही आपको डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा कि जो आपका पॉजिटिव एंड है, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ डी पॉलीमराइजेशन हो रहा है। नेगेटिव एंड में भी आपका पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो इक्वल हो जाता है, जिससे जो फिलामेंट है उसकी लेंथ एकदम एग्जैक्ट रहे, स्टेबल हो जाए। क्योंकि अगर केवल और केवल एलोंगेशन फेज और स्टीडी फेज ना हो तो होगा क्या, फिलामेंट की लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा कि वो पूरा सेल के नेटवर्क को क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए एक लेंथ को, एक पर्टिकुलर लेंथ को जो है अरेंज किया गया है, और स्पीडी स्टेट फेज जो है उसको स्टेबलाइज करता है। तो कुछ नहीं है, न्यूक्लिएशन में आपके जो थ्री जी एक्टिन रहेंगे वो आपस में अरेंज होंगे, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। एलोंगेशन फेज में एडिशन होता है जी एक्टिन का, और ये काफी फास्ट ग्रोइंग फेज होता है। और स्पीडी फेज में पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन दोनों आपका होता है। अब ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ जो है, जैसे आप इसको ग्राफ ए मान लें, दूसरा जो है आपका ग्राफ बी है, ऑल्दो यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। तो जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें आपको तीनों की तीनों फेज दिख रहे हैं, न्यूक्लिएशन दिख रहा है, फिर आपका एलोंगेशन दिख रहा है, एंड स्पीडी फेज दिख रहा है। अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में आपका टाइम दिया है एंड वाई एक्सिस में आपका मास दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कैसे, देखिए टाइम जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे फिलामेंट का मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप पहले न्यूक्लिएशन फेज की बात करें तो इनिशियली टाइम में मास बहुत कम था, क्यों था, केवल और केवल तीन जी एक्टिन की अटैच थे, तो ऑब्वियस सी बात है मास बहुत कम होगा। एलोंगेशन फेज में सडनली मास बहुत बढ़ा, क्योंकि क्या हुआ, जल्दी जल्दी आपके जी एक्टिन जो है वो अटैच हुए, और पूरा जो आपका फिलामेंट है वो एलोंगेटेड हुआ, साइज में जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हुई। और लास्ट जो स्पीडी फेज है, यहाँ पर मास जो है वो इंक्रीज होता है, स्टेबलाइज हो गया है। आप अब टाइम कितना भी बढ़ाए लेकिन इसका जो मास है वो एक पर्टिकुलर डायमीटर में आके क्या हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है। तो ये जो स्टेबलाइजेशन है वो स्पीडी स्टेट में है, जहां पर आपका पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन दोनों होता है। चलिए अब इसके बाद दूसरा जो ग्राफ है वो क्या, केवल और केवल एलोंगेशन एंड स्पीडी फेज को बता रहा है। तो अगर आपके सामने ऐसा ग्राफ आए तो आप प्रिडिक्ट करिए कि जैसे यहाँ पे तो तीनों फेजेस आपको दिख रही है, आप समझ भी गए, लेकिन ये जो ग्राफ है यहाँ पर केवल एलोंगेशन एंड स्पीडी फेज है, ऐसा क्यों है,
ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है उसको ऐड कर दिया है, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम जी एक्टिन को तो ऐड करें लेकिन साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है उसने काफी सारा समय लिया था जनरेट होने में, एक प्लेटफॉर्म बनाने में, अगर हम वो बना बनाया न्यूक्लियस ऐड कर दे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है हमें मिलता है। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें इलोंगेशन एंड स्पीडी फेज है तो ऐसा क्यों आपको ग्राफ मिला है, क्योंकि आपने न्यूक्लियस को जो है वो एक्सटर्नली ऐड करा है तो सीधा जो आपका ग्राफ है उसमें आपको इलोंगेशन और स्पीडी फेज ही मिला है। चलिए तो ये दोनों ग्राफ भी आपको अच्छे से समझने हैं। अब जो तीन फेजेस मैंने आपको बता दी है वो ही मैंने यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में कर दिया है कि पहली फेज क्या है, न्यूक्लिएशन फेज है जो आपकी लैग फेज होती है। यहाँ पर क्या होता है, जी एक्टिन सब यूनिट जो है दो से तीन सब यूनिट्स आपस में मिलती है, ट्राइमर का फॉर्मेशन करती है, डाइमर या ट्राइमर जो कहलाता है आपका न्यूक्लियस। दूसरी फेज आपकी इलोंगेशन फेज है, इलोंगेशन फेज में क्या होगा, इंक्रीज होगी लेंथ, किसकी इंक्रीज होगी, आपके पूरे के पूरे जी एक्टिन आपस में अरेंज होके जो एफ एक्टिन बना रहे हैं दोनों एंड पे, दोनों एंड मतलब कि जैसे ये आपका यहाँ पर न्यूक्लियस अटैच्ड होगा तो यहाँ पर भी आपका पॉलीमराइजेशन होगा, साथ ही साथ आपके सेकंड एंड पे भी पॉलीमराइजेशन होगा। फिर एफ एक्टिन जो है जो आपका फिलामेंट अब ग्रो हो गया है वहां पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी एक्टिन या फिर मोनोमर डिक्रीज होगा जब तक कि आपका पूरा इक्विलिब्रियम फेज यहाँ पर नहीं मिल जाए जिसे कहा जाता है स्पीडी फेज। और स्पीडी फेज में क्या होगा कि आपका पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन ये दोनों सिमिलर चलेंगे, इसीलिए कहा जाता है नो नेट एक्सचेंज और नो नेट चेंज इन टोटल लेंथ ऑफ फिलामेंट। तो इनिशियली न्यूक्लिएशन फेज में लेंथ की अगर बात करें तो बहुत छोटी लेंथ होती है, वहीं पर इलोंगेशन फेज में सबसे ज्यादा लेंथ इंक्रीज होती है एंड स्पीडी फेज में कोई लेंथ में चेंज नहीं होता, ना छोटी होगी लेंथ ना बड़ी होगी ऑफ फिलामेंट। तो ये जो है जो आपको समझाया है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। अब देखिए एक टर्म आता है इसको कहा जाता है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो वो जो पॉलीमराइजेशन की रेट है वो आपकी डिपेंड करती है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पे, कि अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कम होगा ज्यादा होगा तो पॉलीमराइजेशन होगा और पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो होगा क्या कि जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर आपकी जी एक्टिन मोनोमर है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं विथ एक्टिन फिलामेंट। तो इसको जरा आप डायग्राम के थ्रू समझिए क्या होता है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा तो ये कैसे आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन को शुरू करता है। तो आपकी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर आपके ये जो मोनोमर हैं वो इक्वल हो जाएंगे आपके फिलामेंट से। अब कैसे इक्वल हो जाएंगे, इक्वल ऐसे हो जाएंगे कि अगर आप मोनोमर मतलब जी एक्टिन दोनों की जगह ही अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन किसके कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है, जी एक्टिन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर आपका मोनोमर भी प्रेजेंट होगा साइटोसोल में प्लस में उतनी ही मोनोमर का आपका फिलामेंट बन चुका है। अगर मैं कहूँ कि साइटोप्लाज्म में टोटल 100 जी एक्टिन प्रेजेंट है तो ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को तब अचीव करेगा जब आपके 15 जी एक्टिन मोनोमर हो जाएंगे और 15 जो है वो आपका फिलामेंट बन जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जहां पर एक इक्विलिब्रियम फेज एक स्पीडी फेज आ जाता है मोनोमर एंड फिलामेंट के बीच, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब होता क्या है कि यहां पर आपको तीन सिचुएशन दी गई है, कैसी तीन सिचुएशन दी गई है कि अगर जी एक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, आपकी कोई क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर अगर जी एक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, अगर जी एक्टिन कम है तो कैसे पॉलीमराइजेशन होगा, जब जी एक्टिन कम ही कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, कम ही नंबर जी एक्टिन के प्रेजेंट है तो नो पॉलीमराइजेशन। अगर अब आप जी एक्टिन को बढ़ा दें तो बिल्कुल पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और जब जी एक्टिन एंड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन आपका दोनों सिमिलर हो जाए तो
तो होगा आपका सीडीपी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेशन जी एक्टिन की ज्यादा होगी, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। किससे? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज, अब ये दूसरा एक आपको ग्राफ दिया गया है जो अगेन मास के बेसिस पे है। आपका वाई एक्सिस पे मास है, एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, मोनोमर एंड फिलामेंट की कॉन्सेंट्रेशन या फिर टोटल एक्टिन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दी गई है। तो ऐसे ग्राफ को ना आप कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा आपको इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक लाइन जो जैसे आपको ग्राफ दे दिया गया और ये नहीं लिखा होगा कि बताइए, आपसे पूछ लिया जाएगा जो ए लाइन है वो क्या डिनोट कर रही है, बी लाइन क्या डिनोट कर रही है। तो जब आप ए लाइन को देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये इनिशियली जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वहां से शुरू हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी ग्राफिकल लाइन जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होगी तो वो मोनोमर को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इनिशियली आपके पास मोनोमर ही होंगे, उसके बाद आपका फिलामेंट बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि फिलामेंट पहले बन जाएगा फिर मोनोमर बनेंगे, नहीं। हमें पहले ही पता है कि फिलामेंट के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, मोनोमर जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे कि कैसे जो है इनिशियली जब कम कॉन्सेंट्रेशन थी जी एक्टिन की तो फिलामेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, तो वो क्या होंगे, मोनोमर होंगे। लेकिन जैसे जैसे इसने स्पीडी स्टेट को क्रॉस किया और आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो अब पॉलीमराइजेशन हो गया और फिलामेंट बन गया। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, तो लाइन ए जो है वो मोनोमर होगी, लाइन बी जो है वो फिलामेंट होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम थी, जब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है तो नो पॉलीमराइजेशन, नो पॉलीमराइजेशन मतलब की मोनोमर, तो ये मोनोमर थे। और फिर जैसे ही स्टेडी स्टेट के बाद कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ पॉलीमराइजेशन होगा, फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा। इसलिए जो डी आपको लाइन दिख रहा है वो आपका फिलामेंट को डिनोट कर रहा है। चलिए, अब आपको अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो अब हम इसे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू मेंशन कर दी है जो आपकी ऑफिशियल वैल्यू है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपका कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। जब एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद जब फाइनल आपको वैल्यू मिली है वो यहाँ पर पुटअप है बुक वाली जो है। देखिए, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, दो एंड है। अभी हमने देखा फिलामेंट के दो एंड है, एक पॉजिटिव एंड है एक नेगेटिव एंड है। तो पॉजिटिव एंड की कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी जो कि आपकी क्या है 0.12 माइक्रोमोल सीसी प्लस, मतलब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस एंड। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस एंड कितनी है, 0.12 माइक्रोमोल फॉर प्लस एंड। नेगेटिव एंड के लिए सीसी माइनस लिखा हुआ है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.6 माइक्रोमोल फॉर नेगेटिव एंड। अब देखिए तीसरी लाइन क्या है कि अगर आप क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव एंड की बात करें तो ये 5 times हायर है देन द पॉजिटिव एंड। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख भी रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन 0.6 है, तो आप मुझे इजीली बता देंगे कि मैम जो 0.6 है वो हमारी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, 0.1 जो है वो हमारी कम कॉन्सेंट्रेशन है। तो उसी बेसिस पे जो 0.1 है वो पॉजिटिव एंड के लिए, 0.6 जो है वो नेगेटिव एंड के लिए है। तो नेगेटिव एंड पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 times हायर है कंपेयर टू पॉजिटिव एंड। एक चीज, अब दूसरी चीज मैं आपसे पूछू कि जरा मुझे बताओ इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन में हम सबसे पहले और इजीली कौन सी कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल मुझे बताएंगे जो 0.1 है, जो कम कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हम इजीली अचीव करेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि 0.1 के बाद ही 0.6 आएगा, 0.6 तक जाने के लिए फिर 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे कुछ क्रॉसिंग करनी होगी। तो सबसे पहले जो हमें मिलेगा, जो सबसे पहले अचीव होगा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, वो आपका 0.1 होगा और दूसरा आपका होगा 0.6। बस इसी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हम कहते हैं कि प्लस एंड जो है वो हमारा फास्ट ग्रोइंग एंड है और जो नेगेटिव एंड है वो हमारा स्लो ग्रोइंग एंड है। क्यों है फास्ट एंड स्लो? अब फास्ट ग्रोइंग इसीलिए है
क्योंकि यहाँ पर अगर आप जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन कम भी रखेंगे ना, कितनी कम रखेंगे, अगर आपने 0.2 ही जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन को कम बढ़ा दिया, मतलब 0.1 से आपने 0.2 जैसे ही जी एक्टिन को किया, तो इजीली पॉलीमराइजेशन हो जाएगा प्लस एंड की। लेकिन वही पर नेगेटिव एंड की कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो 0.6 है, तो 0.6 के लिए क्या करना, हम जब 0.7 तक जाएंगे तब जाके आपका पॉलीमराइजेशन होगा नेगेटिव एंड की। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड है वहां पर पॉलीमराइजेशन इजीली अचीव किया जा सकता है, वहीं पर नेगेटिव एंड में क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से पॉलीमराइजेशन अचीवमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। बस ये रीजन है कि आपका जो प्लस एंड है वो फास्ट ग्रोइंग एंड है, नेगेटिव एंड जो है वो आपका स्लो ग्रोइंग एंड है। किसकी वजह से, क्योंकि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम या ज्यादा है। अब अगर इस बात को समझ गए हो तो मैं आपको कुछ केस दे देती हूँ, जरा इनको सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या है कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हमें प्लस एंड की पता है कितनी है, 0.12। अब मैं आपसे कहूं कि एक सोल्यूशन मैंने ऐड किया जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 0.08 थी, जो कि बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है कंपेयर टू प्लस एंड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लस एंड की कॉन्सेंट्रेशन को 0.08 ने क्रॉस नहीं किया है तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। तो इसका आउटकम क्या होगा, नो पॉलीमराइजेशन। क्यों पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आपने जी एक्टिन को ऐड किया था बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में किया था, जब आप एटलीस्ट 0.2 ऐड करते तब जाके पॉलीमराइजेशन होता। लेकिन यहाँ पर आपने कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रखी, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ही क्रॉस नहीं हुई। जब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ही क्रॉस नहीं हुई है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस एंड पे पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड नो पॉलीमराइजेशन। अगेन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है डी पॉलीमराइजेशन, मैंने क्या लिखा है, नो पॉलीमराइजेशन। ये चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। सेकंड क्या है, यही कॉन्सेंट्रेशन मैंने नेगेटिव एंड के लिए दे दी, तो नेगेटिव एंड में तो और नहीं होगा। अब ये तो और ज्यादा गुस्सा हो गया कि भाई हमारी कॉन्सेंट्रेशन तो 0.6 है, आप इतना कम हमें दे रहे हैं, हम क्यों पॉलीमराइजेशन करें। तो बिल्कुल ऐसा सा है कि अगर पॉजिटिव पे नहीं हुआ तो नेगेटिव पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव की तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हमें एटलीस्ट 0.7 चाहिए है नेगेटिव एंड में पॉलीमराइजेशन कराने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ हुआ कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन 0.08 ही दिया है नेगेटिव एंड में तो सवाल ही नहीं उठता पॉलीमराइजेशन का, तो क्या मिलेगा आपको, नो पॉलीमराइजेशन। अब आपने क्या किया ना कि दूसरा एक सोल्यूशन बनाया जिसमें जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया और कितना कर दिया, 0.3 माइक्रोमोल। जब आपने 0.3 माइक्रोमोल किया तो अब पॉजिटिव एंड बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया, क्योंकि इसकी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन तो 0.1 थी और जब आपने जैसे ही 0.3 किया तो ये इजीली अब पॉलीमराइजेशन कर लेगा, बहुत खुश हो गया, अब हमें क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है, अब तो हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो बिल्कुल प्लस एंड पे क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हुआ। दोबारा हमने क्या किया कि 0.3 ही कॉन्सेंट्रेशन रखी और नेगेटिव एंड को दी, लेकिन नेगेटिव एंड अभी भी गुस्सा है। क्यों गुस्सा है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कितनी है, 0.6 है। जब 0.6 है तो आप अभी भी हमें कम दे रहे हैं, 0.3 दे रहे हैं, तो हम क्यों पॉलीमराइजेशन करें। तो बिल्कुल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन थी, तो नो पॉलीमराइजेशन एट नेगेटिव। फिर हमने क्या किया, कहा कि चलिए अब आप और खुश हो जाइए, तो हमने 0.7 जो है वो पॉजिटिव एंड के लिए, अब तो ये और खुश हो गया कि अब तो हमारे पास बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है कैका जी एक्टिन का, अब तो हम और फास्ट ही पॉलीमराइज करेंगे। वहीं पर नेगेटिव एंड भी अब खुश है क्योंकि उसके पास कितना था, 0.6 था और हमने कितना दे दिया, 0.7 दे दिया, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अब क्रॉस कर गई, तो दोनों एंड पे आपका पॉलीमराइजेशन इजीली हो गया। अब हमने थर्ड केस जो है, फोर्थ केस में क्या किया कि 0.6 जो है वो नेगेटिव एंड के लिए दी और 0.12 पॉजिटिव एंड के लिए दी, तो अब एक स्टेडी हो जाएगी, ना पॉलीमराइजेशन होगा ना कोई दूसरी रिएक्शन होगी, क्योंकि अब क्या है, एक स्टेडी फेज आ जाएगी। तो ऐसे केसेस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं।
और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है पॉजिटिव एंड के लिए 0.12, ये आपकी एक स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है। नेगेटिव एंड पे 0.6 हो जाता है। अगर आपसे ऐसे कोई केस पूछ लिए जाए कि कॉन्सेंट्रेशन घटा बढ़ा के, तो आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव एंड पे क्या है, नेगेटिव एंड में क्या है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे कि कौन से एंड में पॉलीमराइजेशन होगा और कौन से एंड में जो है वो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। तो ये डायग्राम भी वही शो कर रहा है आपके पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन के लिए। तो जैसे ही क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से क्रॉस होगा कोई भी एंड, जैसे ही आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दे दी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से, तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अब वो आपका कोई भी एंड हो सकता है, चाहे पॉजिटिव एंड हो नेगेटिव एंड हो। तो ये स्लाइड अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एक्टिन या माइक्रोफिलामेंट। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े क्या? चलिए अब देखिए दूसरी स्लाइड क्या कह रही है। दूसरी स्लाइड सिंपली बता रही है कि हमने कैसे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट किया। तो ये मैं थोड़ा आपको डेप्थ में बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी वैल्यूज भी याद रखनी है, बस मैं आपको एक कैलकुलेट करके बता दे रही हूँ कि कैसे हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर आपसे ऐसा ही कोई डायग्राम पूछ लिया जाए, वैल्यू दे दी जाए, तो एटलीस्ट आप क्या कर पाए, उसको कैलकुलेट कर पाए। तो वही चीज हम मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आपके दो फिलामेंट है, एक ये वाला फिलामेंट है, दूसरा आपका सेकेंड फिलामेंट। ये जो है आपका नेगेटिव एंड है जहां पर पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन दोनों होगा, लेकिन डी पॉलीमराइजेशन रेट यहाँ पर ज्यादा होगी। उसी वजह से हुआ क्या है कि ये आपका स्लो ग्रोइंग एंड बना है, ये आपका प्लस एंड है जहां पर अगेन पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा, दोनों ही होगा लेकिन पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा, इसीलिए आपका पॉजिटिव एंड है, फास्ट ग्रोइंग एंड है। फिर आप देखेंगे जी एक्टिन प्लस एटीपी प्लस एंड, जी एक्टिन एटीपी माइनस एंड। तो मतलब ये हाइड्रोलिसिस को बताता है, ये आपका किसको बताता है, ये आपका पॉलीमराइजेशन को बताता है, ये डीपॉलीमराइजेशन को बताता है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है ना, एक एरो है जो आपका कैसा है, थिक एरो है, और दूसरा जो है वो आपका थिन एरो है। तो थिक एरो अगर आप किसी भी एंड की बात करें, चाहे आप नेगेटिव एंड की बात करें, चाहे आप पॉजिटिव एंड की बात करें, तो पॉलीमराइजेशन डी पॉलीमराइजेशन के कंपैरिजन में दोनों के दोनों एंड पे ज्यादा होगा। मैं क्या कह रही हूँ कि ये तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव एंड है वहां पर सबसे ज्यादा पॉलीमराइजेशन होगा, सबसे ज्यादा या फास्ट ग्रोइंग एंड पॉजिटिव एंड है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों एंड पर ही पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन होता है, तो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें कि पॉलीमराइजेशन होगा कि ज्यादा डी पॉलीमराइजेशन होगा, तो दोनों ही एंड पे पॉलीमराइजेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू डी पॉलीमराइजेशन, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, जबकि डी पॉलीमराइजेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। इसको मैंने आगे लिखा है। तो देखिए अगर आप पॉलीमराइजेशन रेट की बात करें नेगेटिव एंड पे, तो कितनी है, 0.3 माइक्रोमोल पर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मतलब एक सेकंड में जो आपकी नेगेटिव एंड में पॉलीमराइजेशन रेट है वो कितनी होगी, 0.3 होगी। वहीं पर डी पॉलीमराइजेशन 0.8 है, तो आप देखेंगे पॉलीमराइजेशन 1.3 है, 0.8 डी पॉलीमराइजेशन है। तो नेगेटिव एंड पे कौन ज्यादा हो रहा है, पॉलीमराइजेशन। वहीं पर अगर आप पॉजिटिव एंड की बात करें तो पॉलीमराइजेशन रेट कितना है, 12 माइक्रोमोल पर इनवर्स सेकंड। मतलब एक सेकंड में 12 माइक्रोमोल जी एक्टिन जो है वो अटैच्ड हो रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं 12 टाइम ग्रेटर देन है नेगेटिव एंड से, इसीलिए आपका पॉजिटिव एंड फास्ट ग्रोइंग है। और वहीं पर अगर आप डी पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो 1.4 पर सेकेंड जो है डी पॉलीमराइजेशन है। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है आपका डी पॉलीमराइजेशन रेट, डी आर में से लिख रही हूँ, क्या है, डी पॉलीमराइजेशन रेट डिवाइडिंग बाई पॉलीमराइजेशन रेट। तो 0.8 डिवाइडेड बाई 1.3, तो आप निकालेंगे तो 0.6 आएगा। वहीं पर अगेन आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो डी पॉलीमराइजेशन रेट
डिवाइडेड बाई पॉलीमराइजेशन रेट, ये क्या है आपका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है प्लस एंड, तो क्या आएगा आपका 0.4 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, क्योंकि ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाते हैं, इसी वजह से जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकलता है 0.12 माइक्रो मोल। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ये सारा रेट नहीं याद रखना है ना, हमें केवल ये फाइनल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन याद रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसमें आपके पास ये डायग्राम हो, तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए और फिर सॉरी आपको पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन रेट को चेंज कर दिया जाए और पूछे कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बताइए, तो कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करके आपको निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, नेगेटिव एंड पे सेकंड डायग्राम डीपॉलीमराइजेशन को शो कर रहा है, वहीं पर पॉजिटिव एंड ये कैसी है आपकी नेट रेट है। तो जब हमने पूरा ये कैलकुलेट किया तब हमने आइडेंटिफाई करा कि जो पॉजिटिव एंड है वहां पर पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो ज्यादा है एंड नेगेटिव एंड में डीपॉलीमराइजेशन रेट जो है वो ज्यादा है। ऐसे करके हमारा पूरा पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन जो है होता जाता है। तो ये चीज अगर समझ में आई तो इसे आगे करके करते हैं। चलिए तो देखिए, अब अगर आप समझ गए हैं कि पॉलीमराइजेशन नो पॉलीमराइजेशन क्या है, तो इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है ट्रेडमिलिंग का। बहुत से बच्चे होंगे जो जिम जाते होंगे, बढ़िया है ना, तो ट्रेडमिल का तो आराम से सब बच्चों को याद भी आ गया होगा। तो वही चीज है, यहाँ पर भी कैसा होता है ना, ये ट्रेडमिल की तरह काम करता है। ट्रेडमिलिंग में कैसा होता है, हम दौड़ते जाते हैं दौड़ते जाते हैं दौड़ते जाते हैं, तो नीचे के नीचे जो है एक रास्ता हमारे सामने आता रहता है। तो मतलब हम उसी रास्ते को कैसे बेसिकली हम एक सर्कल के फॉर्म में यूज कर रहे थे, तो वैसे यहाँ पे होता है, पूरा एक ट्रेडमिल का कंसेप्ट यहाँ पे चलता है कि पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन जो है यूज होता रहता है और आपका जो एक्टिव फिलामेंट है वो स्पीडी फेज में होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जहां पर जो आपका फिलामेंट है वो आपका फॉर्म होता है और साथ ही साथ फिलामेंट के फॉर्म के साथ ये स्पीडी फेज में होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि रेट ऑफ द एडिशन ऑफ GATP मतलब पॉलीमराइजेशन, अगर आप पॉजिटिव एंड पे ATP जी एक्टिन के एडिशन की बात करें तो वो आपका 100 टाइम फास्टर होता है कंपेयर टू नेगेटिव एंड। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस आते हैं, अभी जब हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पढ़ रहे थे तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव एंड पे ज्यादा थी, 5 times ज्यादा थी कंपेयर टू पॉजिटिव एंड। तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो दो अलग अलग सेंटेंस है। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव एंड पे 5 times ज्यादा होती है कंपेयर टू पॉजिटिव एंड, लेकिन अगर आप ATP बाइंडिंग जी एक्टिन की बात करें तो ये 10 times फास्टर होते हैं इन पॉजिटिव एंड कंपेयर टू नेगेटिव एंड। तो ये कंफर्म भी हो जाएगा, लेकिन याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब इसके बाद अगर आप देखें कि कितनी यूनिट, तो 12 सभी यूनिट जो है वो ऐड होती है आपके प्लस एंड में 1 second में, वहीं पर केवल 0.1 1.3 सभी यूनिट जो है किसकी जी एक्टिन की ऐड होगी आपके नेगेटिव एंड में पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पॉजिटिव एंड में 1 second में कितनी जी एक्टिन की सभी यूनिट बाइंड होगी, तो 12, और यहाँ पर कितनी बाइंड होगी 1.3। इसके साथ जो आपका डिसोसिएशन है जिसे डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं, ये आपका डिपेंड नहीं करता है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पे, ये सीधा आपका इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। और यहाँ पर अगर आप डीपॉलीमराइजेशन रेट की बात करें तो वो दोनों ही एंड पे सिमिलर होता है। इसीलिए अभी जब हम पिछले डायग्राम पे अगर जाएं तो वहां पर हम देखेंगे कि जो डीपॉलीमराइजेशन रेट है दोनों एंड पे उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। वहीं पर अगर हम पॉलीमराइजेशन रेट की बात करें तो पॉजिटिव एंड पे 12 था, जो आपका नेगेटिव एंड था वहां 1.3 था।
तो ये क्यों ऐसा है? ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि जो डीपोलमराइजेशन है, जो डिसोसिएशन है, वो हमारी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। डीपोलमराइजेशन आपका नेचुरल फिनोमिना है भाई। पॉलीमराइजेशन आप कैसे भी कराइए, डीपोलमराइजेशन होगा, मतलब होगा, और कम रेट से जो है वो होता है। एक चीज इसीलिए जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा रही थी, केस पढ़ा रही थी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वाले, तो हर जगह हमने क्या लिखा था? नो पॉलीमराइजेशन। हमने डी पॉलीमराइजेशन नहीं लिखा था। हम क्यों नहीं लिखते डी पॉलीमराइजेशन? क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट फिनोमेना है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए, अगर आपसे ऑप्शन में भी पूछा जाए और अगर आपके पास टर्म हो नो पॉलीमराइजेशन, डी पॉलीमराइजेशन इन केस ऑफ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, तो आप चूज करेंगे नो पॉलीमराइजेशन, ना कि डी पॉलीमराइजेशन, क्योंकि डी पॉलीमराइजेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। चलिए, अब वो लिख दिया है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन 0.12 माइक्रोमोल के लिए थी, प्लस एंड के लिए थी, एंड नेगेटिव एंड के लिए कितना था? 0.6 माइक्रोमोल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन थी आपकी नेगेटिव एंड। अब इसके बाद जो है, अगर हम फ्री एटीपी जी एक्टिन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, तो पॉजिटिव एंड पर ये बाइंड होते हैं, ये आपके नेगेटिव एंड पर नहीं बाइंड होते। और उसी वजह से होता क्या है कि ग्रोथ जो बढ़ती है, और जैसे ही अगर जी एटीपी के आप कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे, तो एलोंगेशन या जो फाइबर का लेंथ उसमें लॉस हो जाता है और श्रिंकेज जो है वो ऊपर होता है। तो ये पूरा आपका ट्रेडमिलिंग का था, जिसमें अभी केवल हमने पॉलीमराइजेशन, डी पॉलीमराइजेशन के बारे में देखा है। अब स्टेडी फेज कैसी फेज होगी? ऑब्वियस सी बात है, जहां पर आपका ना ही लॉस होगा प्लस एंड पे, ना ही ग्रोइंग होगी और ना ही नेगेटिव एंड में आपका लॉस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलीमराइजेशन और डी पॉलीमराइजेशन इक्वल होता है, साथ ही साथ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी इंटरमीडिएट हो जाती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। जो ट्रेडमिलिंग का फिनोमिना है, यहाँ पर क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा फिलामेंट का जो लेंथ है उसको स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। एटीपी की हाइड्रोलिसिस भी यहाँ पे होती है। कैसे होती है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस के दौरान ही होगा क्या कि कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, और कन्फर्मेशन चेंजेस होने के बाद एडीपी आएगा और उससे डी पॉलीमराइजेशन जो है वो शुरू होता है। तो ये डायग्राम है, इसके थ्रू थोड़ा आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे ये देखिए, आपका पूरा का पूरा क्या है? फिलामेंट है। ये जो फिलामेंट है, ये आपका प्लस एंड है। तो अब आपको बिल्कुल सारी चीजें याद हो गई कि प्लस एंड मतलब फास्ट ग्रोइंग एंड है, बार्ब एंड है, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन रेट बहुत हाई होगा। वहीं पर नेगेटिव एंड आपका पॉइंटेड एंड है, और यहाँ पर डी पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो ज्यादा होगा। तो होता क्या है कि जब भी आप एटीपी, मतलब कि जब जी एक्टिन आपका एटीपी से अटैच होगा, तो मतलब वो पॉलीमराइजेशन करेगा, तो तुरंत ही जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होने लगती है और जी एक्टिन आपका एडीपी से अटैच होगा, तो आपका डी पॉलीमराइजेशन होगा। अब ये जो आपकी सब यूनिट है जो डी पॉलीमराइजेशन के थ्रू फ्री हो रही है, मतलब ये जी एक्टिन है, इसके साथ अटैच है आपका एडीपी, ये फर्दर आपकी साइकिल में जाएगा। यहाँ पर एक प्रोटीन होता है प्रोफिलिन नाम का, भी हम आगे पढ़ेंगे। वो प्रोफिलिन क्या करता है? एडीपी को हटाएगा, एटीपी को अटैच करेगा। तो देखिए, ये जो आपका जी एक्टिन है जिसके साथ एडीपी है, अब एटीपी का अटैचमेंट हो जाएगा, एडीपी बाहर निकल जाएगा, और अगेन आपकी सब यूनिट कुछ ऐसी बन जाएगी कि जी एक्टिन प्लस एटीपी, और फिर पॉलीमराइजेशन होगा। डी पॉलीमराइजेशन के बाद जो जी आपका एडीपी बना है, फिर प्रोफिलिन जो है उसका एक्सचेंज कर देगा, एक्टिव हो जाएगी यूनिट। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सर्कल जो है पॉलीमराइजेशन, डी पॉलीमराइजेशन, एक्सचेंज बाय प्रोफिलिन, ये चलता रहता है। तो आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन जो है आपकी ट्रेडमिलिंग की, पॉलीमराइजेशन डी पॉलीमराइजेशन की, वो होती रहती है। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो समझाया है, बस उसी को हमने साथ में मिक्स कर दिया है। यहाँ पर कुछ के ऑन के ऑफ जैसे टर्म लिखे, ये काइनेटिक्स या रेट को बताते हैं बेसिकली। अगर आप टोटल मोनोमर एडिशन की बात करें, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि के ऑन के बारे में बताइए, या मैं आपसे कहूँ के ऑन की वैल्यू क्या होगी, तो के ऑन इज इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन एंड नेगेटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन।
तो जैसे ये तो डायग्राम है, उसमें आपके दो एंड होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, दोनों की जगह जो है आपकी वैल्यू होगी पॉलीमराइजेशन की कुछ, डीपॉलीमराइजेशन की कुछ। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल एडिशन बताइए मोनोमर का, जिसे कहा जाता है के ऑन, तो के ऑन को कैलकुलेट करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों एंड पे पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है उसको एड कर देना है। दैट्स इट। पॉजिटिव एंड मतलब ये एंड है, यहाँ पर ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जैसे मैं आपको 0.6 अगर कह दूं, तो नेगेटिव एंड पे अगर जो है वो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, दैट इज ये, इसको मैं 0.6 कह दूं, तो आपको कुछ नहीं करना, 0.6 को आप कर दीजिए तो आपका 1.2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये टोटल रेट हो गया मोनोमर एडिशन का। दूसरा मैं आपसे कहूँ मोनोमर रिमूवर या फिर टोटल रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन बताइए, जिसे के ऑफ कहा जाता है, ऑन मतलब पॉलीमराइजेशन, ऑफ मतलब डीपॉलीमराइजेशन, तो कुछ नहीं आपको करना है, जो डीपॉलीमराइजेशन रेट है उसको आप ऐड कर देंगे। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि बाई चांस अगर आपसे बहुत डीप में, ऑल्दो आज तक कोई क्वेश्चन काइनेटिक्स से नहीं देखा गया है, लेकिन अगर फिर भी आ जाता है तो आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल नहीं है, बस यहाँ पे हमें ऐड ही करना है। तो डीपॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जैसे मैं आपको यहाँ 0.2 दे दूं डीपॉलीमराइजेशन की रेट, एंड यहाँ पर भी 0.2 है, तो 0.2 आप दोनों का कर देंगे तो आप बता देंगे कि टोटल ट्रेड मिलिंग प्रोसेस में एडिशन या पॉलीमराइजेशन रेट कितना है, 1.2 है, वहीं पर पूरी आपकी ट्रेड मिलिंग प्रोसेस में डीपॉलीमराइजेशन रेट कितना है, तो 0.2 है। ये दोनों एंड का अगर आपसे सेपरेटिवली पूछा जाए तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही डायग्राम में देखिए और बता दीजिए। तो ये ऐसे होता है। इसके अलावा ट्रेड मिलिंग की जब हम बात करें तो दो इनहिबिटर होते हैं, एक तो साइटोकैलासिन है एंड दूसरा आपका क्लोइडिन है। साइटोकैलासिन आपका पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है, जो आपका क्लोइडिन है वो आपकी डीपॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है। तो ये भी इनहिबिटर जरा देख लीजिएगा, बाकी ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आप कर सकते हैं। अब एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो होता क्या है, देखिए अभी हमने तीन प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, तीन फेजेस पढ़ ली, न्यूक्लिएशन हो गया, एलोंगेशन हो गया, स्पीडी फेज हो गया। तो ये जो पूरा आपको प्रोसेस दिखता है, ये जो फेज दिखता है पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन दिखती है, वो केवल और केवल ऐसा नहीं कि जी एक्टिन इजीली आपके अटैच्ड हो गए और एफ एक्टिन बना लिया, नहीं, उसके लिए बहुत सारे प्रोटीन काम करते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये क्या है, आपके एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है, जो बाइंड करते हैं आपके एक्टिन के साथ एंड फाइनली पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल आपकी ये एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये रेगुलेट करती है असेंबली को, डिसेंबली को, साथ ही साथ इनके पास एक डोमेन प्रेजेंट होता है जिनको कहा जाता है एक्टिन बाइंडिंग डोमेन। और ये सारी की सारी टेबल है, तो यहाँ पर देखिए जरा क्या है कि अगर हम सबसे पहले इनिशिएशन की बात करें, अभी क्या है जी एक्टिन है, और जी एक्टिन में जब हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, क्योंकि इनिशिएशन कहाँ पे आपके न्यूक्लियस फॉर्मेशन में होगा, तो बिल्कुल जब हम इनिशिएशन करते हैं न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पे कौन से प्रोटीन होते हैं, ARP2-3 एंड फॉर्मिन। तो इनका अलग अलग फंक्शन है, दोनों के दोनों इनिशिएट ही करते हैं पॉलीमराइजेशन को, लेकिन फॉर्मिंग कहीं अलग इनिशिएट करेगा, ARP जो है वो ब्रांच को इनिशिएट करता है, ब्रांच पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करता है। ये कैसे करता है इसका पूरा भी हम मैकेनिज्म जानेंगे। सेकंड क्या है, फिलामेंट स्टेबलाइजेशन। तो फिलामेंट, अब जैसे आपका पूरा फिलामेंट बन गया, कुछ ऐसा बन गया, ये आपका एक एफ एक्टिन है, दूसरा आपका ये एफ एक्टिन है, तो आप कुछ सोचिए ना, अगर आप दोनों थ्रेड को ऐसे पकड़ लिया है, लेकिन आपने बहुत लूजली पकड़ा हुआ, तो होगा क्या, ये जो बीच का मिडिल का पोर्शन होगा ना, इसके पास काफी वेट आता है, जो आपका कैसा अनस्टेबलाइज हो जाता है, तो इसको आपको स्टेबलाइज भी करना है। तो बिल्कुल आपके दो प्रोटीन, एक तो नेब्यूलिन एंड आपका ट्रोपोमायोसिन, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इस फिलामेंट को कुछ ऐसे अटैच्ड हो जाएंगे और स्टेबलाइज करेंगे। थर्ड टाइप का जो प्रोटीन है, जो फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग में काम करता है,
क्रॉस लिंकिंग मतलब क्या, जैसे ये आपका एक एक्टिन फिलामेंट, ये पूरा आपका बना है एक्टिन फिलामेंट, दूसरा आपका ये एक्टिन फिलामेंट है, तीसरा आपका ये है, तो ये जो आपके तीनों के तीनों एक्टिन फिलामेंट है, इन तीनों के बीच में यहाँ पर कुछ कनेक्शन होगा, क्योंकि ये जो एक्टिन फिलामेंट है ना, ये बंडल के फॉर्म में होते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि केवल एक ही प्रेजेंट हो, तो जब ये बंडल के फॉर्म में होते हैं तो ऑब्वियसली बात है क्रॉस लिंकिंग करनी होगी, और वो क्रॉस लिंकिंग कौन कौन करेगा, एक तो अल्फा एक्टिनिन होता है, फिलामिन होता है, फिम्ब्रिन होता है एंड विलिन, तो ये आपके चार कैसे प्रोटीन है जो आपकी क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करेंगे, जब बंडल का फॉर्मेशन होगा तो दो तीन चार जो मॉलिक्यूल है उनको क्या करेंगे, आपस में अटैच कराएंगे। एंड कैपिंग नाम से पता चल रहा है, जो फिलामेंट के एंड पे प्रेजेंट होगा, तो कैप जेड होता है, ट्रोपोमोड्यूलिन होता है, ट्रोपोमोड्यूलिन आपके नेगेटिव एंड की तरफ होता है और ये आपकी पॉजिटिव एंड में, कैप मतलब सिंपल सी बात है और एंड को जो है टोपी की तरफ करना देता है ना, तो अभी डायग्राम में आप देखेंगे तो कैप जेड पॉजिटिव के लिए है, वहीं पर अगर आप नेगेटिव की बात करें तो ट्रोपोमोड्यूलिन होता है। फिर अगर आप बात करें डीपॉलीमराइजेशन की, फिलामेंट सेवरिंग, जो आपकी फिलामेंट सेवरिंग की आप बात करेंगे, डीपॉलीमराइजेशन की बात करेंगे, तो कौन सा प्रोटीन होगा, एक तो एडीएफ होता है, कोफिलिन होता है, जेलसोनिन होता है एंड थाइमोसिन, तो कंफ्यूज नहीं होना है ट्रोपोमोड्यूलिन में एंड थाइमोसिन में, ट्रोपोमोड्यूलिन आपकी कैपिंग प्रोटीन का पार्ट है, थाइमोसिन जो है वो डीपॉलीमराइजेशन को जो है वो फैसिलिटेट करता है। मोनोमर बाइंडिंग की अगर आप बात करें तो प्रोफिलिन होगा एंड ट्विन फिलिन होती है, ये दो प्रोटीन होते हैं जिसमें प्रोफिलिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो क्या करता है कि जी एक्टिन में जो आपका एफ एक्टिन का फॉर्मेशन होना है तो मोनोमर की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करेगा, साथ ही साथ एक्टिन फिलामेंट लिंकेज टू अदर प्रोटीन, एक्टिन फिलामेंट को किसी दूसरे प्रोटीन के साथ जब अटैच्ड करना है तो एक तो आपका डिस्ट्रोफिन होता है, स्पेक्ट्रिन होता है, टैलिन होता है, विनक्यूलिन होता है, तो ये सारे आपके अदर प्रोटीन के लिए, और ये टेबल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब आपको समझ में आ जाएगा जब हम एक एक करके सबका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी चीज इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक सब आपके माइंड में छप जाएगा कि अच्छा हाँ पॉलीमराइजेशन में कौन कौन सा था, स्टेबलाइजेशन में कौन कौन सा था, तो अभी ये बस एक ओवरव्यू है और एक प्रोटीन की हम मैकेनिज्म यहाँ पर करेंगे, तो उससे पहले जरा ये डायग्राम देख लीजिए, आप डायग्राम के फॉर्म में भी अच्छे समझ जाएंगे, जैसे ये कोई आपका क्या है, एफ फिलामेंट है, एफ एक्टिन फिलामेंट है, तो एफ एक्टिन में क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव एंड होगा, नेगेटिव एंड होगा, ऑब्वियसली बात है एंड में अगर हम वार्प्ड एंड की बात करें जो पॉजिटिव एंड है, यहाँ पर कैपिंग प्रोटीन कैप जेड है, वहीं पर अगर हम नेगेटिव एंड की बात करें तो ट्रोपोमोड्यूलिन है, अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करें तो ये देखिए कुछ ऐसे प्रोटीन यहाँ पर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं जो आपके नेब्यूलिन होंगे, ट्रोपोमाइसिन होंगे, इसके साथ साथ अगर आप डीपॉलीमराइजेशन की बात करें, ये देखिए अगर कोई प्रोटीन कोई अगर आपका फिलामेंट है, आपने उसकी कैपिंग कर दी, आपने उसके दोनों एंड पर एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन को रख दिया, तो होगा क्या, ना ही पॉलीमराइजेशन होगा ना ही डीपॉलीमराइजेशन होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि हमें दोनों ही रिएक्शंस करानी है, हमें क्या डीपॉलीमराइजेशन भी करना है, तो होगा क्या कि एडीएफ कोफिलिन जेलसोनिन एंड आपके ट्रोपोमायसिन जो है आएंगे बीच में कट करते हैं और इस तरीके से डीपॉलीमराइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप क्रॉस लिंकिंग की बात करें तो एक फिलामेंट दूसरा फिलामेंट आपस में आपका एक्टिनिन फिलामिन इन सब के साथ एक अटैचमेंट करता है और क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन जो है वो आपके ये होते हैं। साथ ही साथ ये पूरा आपका ट्रेडमिल वाला प्रोसेस दिख रहा होगा, तो ट्रेडमिलिंग में क्या था, पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन दोनों थे, तो पॉलीमराइजेशन में जो यूज होने वाला प्रोटीन है वो प्रोफिलिन होगा, ट्विनफिलिन होंगे, जो करेंगे क्या, जो करेंगे सिंपली ये कि जो आपका जी एक्टिन है, जो आपका एडीपी से अटैच्ड है, प्रोफिलिन जो है इसको जी एटीपी में कन्वर्ट करता है और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को क्या करता है, इनहांस करता है। वहीं पर अगर हम डीपॉलीमराइजेशन की बात करें
तो यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है कोफिलिन, ये यहाँ पे काम करता है। तो ये कुछ पूरे के पूरे प्रोटीन है जो आपकी एक्टिन की पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन या फिर एक्टिन का जो पूरा फंक्शन है उसमें काम करते हैं। अब ये अगर क्लियर हो गया हो तो आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं एक एक प्रोटीन के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोटीन है वो क्या है, हमारा फॉर्मिंग प्रोटीन है। तो जो आपका फॉर्मिंग प्रोटीन है ये कैसा है, आपके पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करता है, जैसा कि अभी हमने टेबल में देखा था पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करेगा। तो पॉलीमराइजेशन का इनिशिएशन कैसे हो रहा था, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए। तो वो जो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए बेस की जरूरत होती है ना, वो बेस होता है आपका फॉर्मिंग प्रोटीन। अगर आप फॉर्मिंग प्रोटीन को देखें तो इसके पास तीन डोमेन होते हैं, एक होता है आपका आरबीडी डोमेन, FH1 डोमेन एंड FH2 डोमेन। तो होगा क्या, इनिशियली सबसे पहले आपका वो GTP आएगा और सबसे पहले जो एक्टिवेट करेगा वो होगा आपका रो वाइंडिंग डोमेन। जैसे ही आपका रो वाइंडिंग डोमेन एक्टिवेट होगा तो फर्दर एक्टिवेट होगा आपका FH1 डोमेन। FH1 डोमेन क्या करेगा, जो आपका जी एक्टिन है, और जी एक्टिन में भी कौन सा एक्टिन, आपका ATP बाउंडेड एक्टिन है। तो जो प्रोफिलिन है उसको सबसे पहले FH1 में रिक्रूट करेगा और फिर ये FH2 में जाते हैं, और ऐसे करके आपका पूरा न्यूक्लियस का पहले फॉर्मेशन होगा और सीधा आपका पूरा फिलामेंट जो है वो आपका ग्रो करता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर्मिंग प्रोटीन जो है सबसे पहले तो इनिशिएशन में होगा, कौन सा इनिशिएशन, पॉलीमराइजेशन में जो इनिशिएशन रिएक्शन है वो तीन डोमेन है, आरबीडी डोमेन है, FH1 एंड FH2। आरबीडी रो से अटैच होगा, एक्टिवेट होगा, फर्दर एक्टिवेट होगा आपका FH1 डोमेन। FH1 डोमेन में जो पहला आपका जी एक्टिन आएगा वो कैसा होगा, ATP बाउंडेड जी एक्टिन प्लस प्रोफिलिन सबसे पहले आपके FH1 डोमेन में आएंगे, फिर ये FH2 डोमेन में जाएंगे। तो अगर आपसे फाइबर में एंड की बात करी जाए तो जो आपका प्लस एंड होता है वो डायरेक्टेड होता है FH2 के, जो उसके अपोजिट होता है दैट इज नेगेटिव। इस तरीके से पहले आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और ये एलोंगेशन होता है। जो फॉर्मिंग प्रोटीन है वो आपके पूरे फिलामेंट, जब आपका न्यूक्लियस बन रहा है तब भी आपका अटैच्ड रहा आता है, और इस तरीके से आपका पूरा पॉलीमराइजेशन होता है। अब जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपके लिए ये नया है, ऑब्वियसली बहुत से स्टूडेंट के लिए ये चीजें नहीं होंगी, तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख दिया है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि याद होगा या नहीं होगा। तो है क्या, जैसे एक्टिन न्यूक्लिएटिंग फैक्टर है पहली या प्रोटीन है आपका फॉर्मिंग प्रोटीन, और यहाँ पर आपके दो होंगे, एक तो फॉर्मिंग प्रोटीन फैमिली होगी और दूसरी ARP2-3 कॉम्प्लेक्स। दोनों का भी फंक्शन सेम ही है इनिशिएशन में, पॉलीमराइजेशन में। लेकिन जब आपको एकदम न्यूली सिंथेसाइज करनी रहती है चेन, तब आपका फॉर्मिंग होगा, और उसी चेन में जब आपको ब्रांच बनाना है, एक नया फिलामेंट जनरेट करना है, तो आपका ARP2 आएगा। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि अगर आपके पास केवल और केवल जी एक्टिन है तो सबसे पहले काम कौन करेगा, आपका फॉर्मिंग होगा, और जब आपका पूरा का पूरा कुछ ऐसा फिलामेंट बन जाता है तो आपको यही से दूसरी ब्रांच करनी है, दूसरी ब्रांच जब वेट करनी है तब जाके आपका ARP2-3 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आएगा। लेकिन दोनों का काम क्या है, इनिशिएशन में, किसके इनिशिएशन में, पॉलीमराइजेशन के इनिशिएशन में। इसमें दो डोमेन प्रेजेंट होते हैं, FH1 एंड FH2। इसका फुल फॉर्म है फॉर्मिंग होमोलॉजी डोमेन फर्स्ट एंड टू। साथ ही साथ यहाँ जो आप पॉजिटिव एंड की बात करें तो वो कहाँ पर आपका डायरेक्टेड होता है, वो होता है टूवर्ड्स FH2 डोमेन। जो बताया है वो ही लैंग्वेज फॉर्म में है, FH1 डोमेन जो है उस वो प्रोलीन विच अमाइनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी। प्रोलीन अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा आपके FH1 डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, एंड सबसे पहले जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराता है प्रोफिलिन के लिए वो होता है आपका FH1 डोमेन। उसके बाद जो है उसको FH2 डोमेन की तरफ रिक्रूट किया जाएगा और पूरा का पूरा आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिंथेसाइज हो जाता है। एक बात याद रखिए, जो फॉर्मिंग है नॉट ओनली न्यूक्लिएटेड, मतलब केवल और केवल न्यूक्लियस नहीं बनाता है,
एक्टिन के सिंथेसिस में। ये क्या करता है, पूरा का पूरा आपका पॉजिटिव एंड तक सिंथेसाइज करता है और उससे अटैच्ड रहा आता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि फॉर्मिंग का काम केवल और केवल न्यूक्लियस बनाना नहीं है, ये न्यूक्लियस बना लेगा उसके बाद भी जब आपका एंड सिंथेसाइज होता रहेगा तो ये अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला आपका एक दूसरा डायग्राम है जिसमें केवल एक ही डोमेन को बताया गया है, दैट इज FH2 डोमेन, क्योंकि ये डोमेन आपका फाइनल साइड है जहां से आपके एक्टिन जो है वो जुड़ना शुरू करते हैं। FH1 तो क्या करता है, रिक्रूट करता है और शिफ्ट कर देता है आपके FH2 डोमेन में, लेकिन जो आपका पूरा चेन सिंथेसिस है वो कहां होगा, आपके FH2 डोमेन से ही होता है। इसके पास इसके क्या एक मोनोमर दो मोनोमर, तो इस तरीके से जब डाइमर आपस में मिलते हैं तो एक रिंग जैसा आपको दिख रहा होगा, एक बेस मिल गया है। बेस किसे मिला है, आपके जी एक्टिन के लिए, और इसमें अभी कैसे एक्टिन होंगे, जी एक्टिन एटीपी वाले होंगे, बस अटैचमेंट होगा, ऐसे ऐसे करके आपका ट्राइमर का फॉर्मेशन हो गया जो कि आपका न्यूक्लियस है, और फिर इसी न्यूक्लियस के बाद एलोंगेशन होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए अगर प्लस एंडेड कहाँ डायरेक्टेड होता है तो आप बताएंगे टुवर्ड्स फॉर्मिंग प्रोटीन, और वहीं पर माइनस एंड कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द फॉर्मिंग प्रोटीन। चलिए अब ये स्टेप बाय स्टेप जो अभी आपको समझाया है वो फिर से थोड़ा सा रिवीजन के फॉर्म में लिख दिया है। सबसे पहले क्या एक्टिवेट हो रहा था, वो जीटीपी जो आपका रेस रिलेटेड स्मॉल जीटीपीएज प्रोटीन है। अगर वो जी डीपी के फॉर्म में है तो ये आपका इनएक्टिव होगा, लेकिन जब जी टीपी के फॉर्म में आएगा तो ये एक्टिव होगा। सबसे पहले एक्टिवेट होगा आपका कौन सा डोमेन, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन जिसको कहा जाता है आपका रो बाइंडिंग डोमेन, उसके बाद आपका FH1 डोमेन, फिर FH2 डोमेन होगा। तो इसी FH2 डोमेन में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिंथेसिस होता है। FH1 डोमेन आपका प्रोलीन रिच सीक्वेंस होता है जो रिक्रूट करता है जी एक्टिन को टूवर्ड्स FH2 डोमेन। तो ये बस स्टेप बाई है एक्टिन असेंबली, तो आप यहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रांचिंग प्रोटीन के बारे में, जो क्या है ARP2-3 कॉम्प्लेक्स। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, इसका काम क्या है कि जब आपके पास ये फिलामेंट होगा, इसी फिलामेंट से जब एक ब्रांच का जनरेशन होना है तब आपका कौन काम करेगा, ARP2-3 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काम करते हैं। तो अगर आप ये पूरी प्रोटीन का देखेंगे तो यहाँ पर ARP2 ARP3 जो है टोटल 46 डोमेन है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल दो ही दिखाए गए हैं क्योंकि ये दो जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप टोटल डोमेन की बात करें तो ये 6 डोमेन होते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है। जो आपका ARP2 होता है इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, उस फैक्टर का नाम क्या है, न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ARP2-3 की बात करें तो ये क्या विदाउट न्यूक्लिएटिंग फैक्टर काम करेगा, तो नहीं। इसके एक्टिवेशन के लिए, इसकी प्रॉपर बाइंडिंग के लिए किस चीज की जरूरत होगी, एक न्यूक्लिएटिंग फैक्टर की जो एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कराएगा, क्योंकि ARP2 क्या है, एक ब्रांचिंग प्रोटीन है जो ब्रांच का फॉर्मेशन करा लेगा। लेकिन ब्रांच के फॉर्मेशन से पहले न्यूक्लियस बनना जरूरी है जो आपका इनिशिएशन कराएगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक फैक्टर की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये जो आपका न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर होता है ये दो इन नंबर होता है, मतलब 1 और 2, दो न्यूक्लियर प्रोमोटिंग फैक्टर यहाँ पर आएंगे। और अगर आप इस न्यूक्लिएटिंग फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 3 डोमेन प्रेजेंट होते हैं, W डोमेन, C डोमेन एंड A डोमेन। तो क्या है, सबसे पहले आपका न्यूक्लिएटिंग प्रोमोटिंग फैक्टर यहाँ पर आएगा जिसके पास टोटल 3 डोमेन होंगे, W डोमेन, C डोमेन एंड A डोमेन, और ये कितने नंबर होंगे, दो। जब आपके पास न्यूक्लिएटिंग प्रोमोटिंग फैक्टर आएंगे फिर वो सबसे पहले बाइंड करेंगे जी एक्टिन से। अब ये देखिए आपका जी एक्टिन बाइंड कर गया है प्रोमोटिंग फैक्टर के साथ, इसके बाद काम शुरू होगा ARP2-3 कॉम्प्लेक्स का,
जो बाइंड करता है आपके डब्लू डोमेन से। ठीक है, तो आपको क्या चीज याद रखनी है, सबसे इनिशियली स्टेज में पहले आपको फैक्टर चाहिए है, न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर, जिसके पास तीन डोमेन है, डब्लू डोमेन, सी डोमेन एंड ए डोमेन। इसका जो डब्लू डोमेन होता है वो आपके जी एक्टिन से अटैच्ड होता है, वो क्या है आपका डब्लू डोमेन होगा, जिसे डब्लू एच टू डोमेन कहा जाता है इसका फुल फॉर्म, तो डब्लू डोमेन होगा। उसके बाद जो आपका एसिडिक डोमेन होगा, कौन सा डोमेन होगा, ए डोमेन जो होगा दैट इज एसिडिक डोमेन, वो आपका अटैच्ड होता है ए आर पी टू थ्री कॉम्प्लेक्स के साथ। तो सबसे पहले फैक्टर आया, दूसरे में आपकी यूनिट्स आई जी एक्टिन यूनिट्स, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में आता है आपका क्या ए आर पी टू थ्री कॉम्प्लेक्सेस, पूरा बाइंड हुआ। अब क्या है आपका ये जो ए आर पी टू थ्री कॉम्प्लेक्स है ये हो गया है अब एक्टिवेट। अब जैसे ही एक्टिवेट हो गया है ना तो इजीली ये रिक्रूट हो जाएगा आपके पॉजिटिव एंड की साइड, जैसे ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड है, तो ये स्लाइटली आपकी पॉजिटिव एंड की साइड में डायरेक्टेड हो जाएगा और फिर अब हमें प्रमोटिंग फैक्टर का कोई काम नहीं है, तो रिलीज हो जाएगा प्रमोटिंग फैक्टर और आगे चल के आपका जो ब्रांचिंग प्रोटीन है एआरपी टू थ्री है वो आपका काम करता रहेगा, तो न्यू ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें आपके पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड दोनों होते हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पर पूछा जाए कि नेगेटिव एंड किसकी तरफ होता है, तो नेगेटिव एंड होता है टूवर्ड्स ए आर पी टू थ्री और पॉजिटिव एंड कहाँ होता है अवे। तो और ऐसे करके अगर आप न्यू एंड ओल्ड चेन में देखेंगे तो 70 डिग्री का एक एंगल बनता है, तो ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। तो अगेन मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, ए आर पी टू थ्री कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसे आपकी ब्रांचिंग इनिशिएशन होगा, सबसे पहले आपका एनपीएफ जिसे न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर कहा जाता है वो आएगा, उससे अटैच्ड होगा आपका एक्टिन सब यूनिट, उसमें थ्री डोमेन होते हैं एनपीएफ में, डब्लू डोमेन, सी डोमेन एंड ए डोमेन। जो डब्लू डोमेन है वो आपका अटैच्ड होता है एक्टिन सब यूनिट से, जो आपका ए डोमेन है वो अटैच्ड होगा आपके एआरपी2 से, पूरा आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे रिक्रूट किया जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, एंड फाइनली आपका जो एनपीएफ है उसको रिलीज कर दिया जाएगा और फिर ब्रांच का सिंथेसिस हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है लेकिन आपको ये मैकेनिज्म याद रखना है, स्पेशली आपको डोमेन याद रखने हैं कि जो न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर का डब्ल्यू सी ए डोमेन जो है उसमें डब्ल्यू डोमेन जो है वो अटैच्ड होता है आपके एक्टिन सब यूनिट से, ए जो एसिडिक डोमेन है वो अटैच्ड होता है ए पी आर टू थ्री कॉम्प्लेक्स। चलिए तो जो चीज लिखी वहां समझाइए उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहले यहाँ पर ए आर पी टू थ्री कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ए आर पी टू एंड थ्री कॉम्प्लेक्सेस कैसा होता है, आपका न्यूक्लिएटिंग ब्रांच फिलामेंट असेंबली को प्रमोट करता है। इसका फुल फॉर्म अगर आप ई आर पी का देखेंगे तो एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले अगर आप इसकी प्रेजेंस देखेंगे तो ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट में प्लांट एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ई आर पी टू थ्री जो है ना अगर उसके पास न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर ना हो तो ये एक तरीके का बहुत पुअर या वेरी पुअर न्यूक्लिएटर होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें एनपीएफ की जरूरत होती है। विदाउट एनपीएफ ये प्रॉपर फंक्शनल नहीं होता, तो एनपीएफ का यहाँ पर जरूरत होता है। और इसके बाद जो है इसमें तीन डोमेन होते हैं, जैसे एक डब्ल्यू एच टू डोमेन, कॉन्ट्रैक्टर डोमेन एंड एसिडिक डोमेन। डब्ल्यू एच टू डोमेन जो है वो आपकी एक्टिन जी एक्टिन से बाइंड करेगा एंड एसिडिक डोमेन जो है वो आपका ए पी ए आर पी टी टू एंड थ्री से बाइंड करता है, पूरा आपका ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। अगेन ये स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सबसे पहले स्टेप में एनपीएफ आएगा, एनपीएफ के पास आपके तीन डोमेन होंगे, तो एक करके सबसे पहले डब्लू डोमेन में आपका बाइंडिंग होगा न्यूक्लियोटाइड का, उसके बाद जो है आपका एपीआर टू एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेशन के बाद रिक्रूटमेंट हो जाएगा आपकी पॉजिटिव एंड में और फिर ऐसे करके पूरा का पूरा आपका सिंथेसिस हो जाता है, जो आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड और ओल्ड सिंथेसाइज्ड फिलामेंट है
उनके बीच 70 डिग्री का एक एंगल बनता है। तो बस जो चीज समझाई है उसी को थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं या फिर कोई चीज नहीं समझ में आई तो यहाँ से आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। चलिए अब दूसरा जो प्रोटीन है ये क्या है, प्रोफिलिन। तो प्रोफिलिन कैसा है, आपका छोटा एक स्मॉल प्रोटीन है और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये जी एक्टिन में, जहां पर आपका एटीपी अटैच हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपका ये प्रेजेंट होता है प्रोफिलिन के लिए। ठीक है, बाइंडिंग साइड, मतलब बाइंडिंग साइड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले तो ये जी एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है और इसकी साइट कहाँ प्रेजेंट होगी, जस्ट अपोजिट टू एटीपी। ये कहता है आपका जो प्रोफिलिन है वो आपका एडिनिन एक्सचेंज फैक्टर है और ये स्टिमुलेट करता है एक्सचेंज को, किसके एक्सचेंज को, ये एडीपी से एटीपी के कन्वर्जन में स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ अगर आप प्रोफिलिन की बात करें कि जब आपका प्रोफिलिन एटीपी एंड जी एक्टिन कॉम्प्लेक्सेस है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉलीमराइजेशन रेट को हाई करता है एंड रिप्लेस करता है या लॉस इनहांस करता है लॉसेस को, किसके लॉस को, आपके एडीपी को। आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है प्रोफिलिन एटीपी जी एक्टिन कॉम्प्लेक्स, ये आपके नेगेटिव एंड पर बाइंड नहीं करता, ये बाइंड करता है आपके पॉजिटिव एंड पे और वहीं पर ये पॉलीमराइजेशन करता है। और जैसे ही एक बार जी एक्टिन को पॉजिटिव एंड पे बाइंड करा देता है उसके बाद आपका प्रोफिलिन डिसोसिएट हो जाएगा और फिर आपका क्या होगा, साइकिल ऐसे चलती रहती है। मतलब प्रोफिलिन का काम बस इतना है कि एटीपी जो जी एक्टिन है आपका उसको पॉलीमराइजेशन रेट में रिक्रूट कराना और जैसे उसका काम खत्म होता है तो आपका प्रोफिलिन फ्री हो जाता है, अगेन दूसरे जी एक्टिन एटीपी को लाएगा फिर लेके आएगा, ऐसे करके एक्सचेंज करता है। दूसरा जो प्रोटीन है वो है आपका प्रोफिलिन, जो आपके डीपॉलीमराइजेशन को जो है इनिशिएट करता है। ज्यादा नहीं इसमें याद रखना है, प्रोफिलिन मतलब पॉलीमराइजेशन एंड प्रोफिलिन मतलब डीपॉलीमराइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडीएफ का एक्टिन डीपॉलीमराइजिंग फैक्टर। काम क्या रहेगा, डीपॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन कहाँ करेगा, नेगेटिव एंड पे करेगा और साथ ही साथ नेगेटिव एंड पे करेगा और यहाँ पर जो है डिसअसेंबली जो प्रोटीन फिलामेंट है उसको एनहांस करता है। अब भी एक इमेज है, वीडियो से आप समझ जाएंगे कि कैसे पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन दोनों होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक प्रोटीन है, ये जो आपको ओरेंज सब यूनिट दिख रहे हैं ये जो ओरेंज सब यूनिट ही आपका प्रोफिलिन है। ठीक है, अगेन जो आपको येल्लो दिख रहा है ये आपका क्या है, जी एक्टिन प्लस एटीपी। तो प्रोफिलिन देखिए कैसे आपका पॉलीमराइजेशन करा रहा है। दूसरी साइड एक तो आपकी ग्रीन प्रोटीन सब यूनिट है और आपका एक ब्लू दिख रहा है आपको कलर। तो जो ग्रीन है वो क्या है, आपका प्रोफिलिन है जो आपकी एक्टिन सब यूनिट जो जी एडीपी के साथ बाइंड होगा उसके साथ डीपॉलीमराइजेशन करा दे। तो ये तो एक वीडियो है जो आपके लिए दिखा रहा है कि कैसे पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन होगा। तो कुछ नहीं, पॉलीमराइजेशन मतलब प्रोफिलिन एंड डीपॉलीमराइजेशन मतलब कि प्रोफिलिन, बस ये चीज आपको अपने मन में रखनी है। अब देखिए एक और प्रोटीन है जिसे थाइमोसिन बीटा या थाइमोसिन बीटा 4 कहा जाता है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोटीन है, ये इनडायरेक्टली पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है। कैसे इनडायरेक्टली, अब कैसे इनडायरेक्टली इनहिबिट करेगा, तो इसका बड़ा अच्छा सा फंक्शन है। जब जी एक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में बहुत ज्यादा होगा तो ये करेगा क्या कि इनहिबिट कर देगा पॉलीमराइजेशन को और वहीं पर जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ये जी एक्टिन दे देगा और पॉलीमराइजेशन करा देगा। तो ये कैसा है, बिल्कुल मम्मी के जैसे होता है। जैसे हमारी मम्मी करती क्या है, जब हम बहुत शरारत करते हैं तो हमें डांट देती है, उसके बाद जब हम नाराज होते हैं तो हमें मना भी लेती है। तो बिल्कुल इसका ऐसा ही फंक्शन है कि जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा जी एक्टिन का इन साइटोसोल तो ये स्टोर कर लेगा जी एक्टिन को, तो जब डीपॉलीमराइजेशन रेट ज्यादा होगा तो ये फ्री कर देगा कि अब जाइए आप पॉलीमराइजेशन कर लीजिए। इसलिए इसको रिजर्वायर कहा गया है ऑफ एक्टिन फॉर पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर होता क्या है कि ये इनहिबिट कर देता है आपकी एडिशन ऑफ एक्टिन को दोनों एंड पे, जो आपका पॉजिटिव एंड होगा नेगेटिव एंड होगा।
हाई अमाउंट ऑफ GFP जो आपके ATP के साथ बाइंड है, तो वहां पर क्या होगा, आपका थायमोसिन beta-2 एक्टिव हो जाएगा एंड स्टोर कर लेगा और प्रिवेंट कर देगा आपके GFP एडिशन के लिए। और वहीं पर जैसे ही लो अमाउंट हो जाएगा इनसाइड द साइटोसोल GFP ATP का, तो ये फिर फ्री कर देगा GFP ATP को फॉर पॉलीमराइजेशन और फॉर एडिशन। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, बस काम क्या है कि इनडायरेक्टली इनिबिट ही करेगा आपके पॉलीमराइजेशन को, लेकिन साइटोसोल में अगर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है GFP का, तो जो इसमें स्टोर करे हुए हैं GFP उनको फ्री कर देता है। तो बिल्कुल ये वही पूरा डायग्राम है। तो इसमें हमारे तीन प्रोटीन जो पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं वो दिए हैं। पहला क्या है, प्रोफिलिन। तो प्रोफिलिन का काम क्या है, प्रोफिलिन का सिंपली काम है कि जो आपकी GFP होगी अगर ये आपका ADP से अटैच है तो एक्सचेंज कर देगा GFP ATP में, और इसी GFP ATP को पॉलीमराइज करा देगा आपके प्लासेंटा में। तो ये क्या है आपका प्रोफिलिन। प्रोफिलिन में अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी एक्टिन ADP के साथ अटैच्ड होगा और डिसोशिएट कराएगा एक्टिन प्रोटीन या GFP के लिए। और बीच में जब आपका ये पूरा पॉलीमराइजेशन चल रहा होता है तो पॉलीमराइजेशन में ही एसोसिएट होता है आपका एक प्रोटीन जिसे कहा जाता है थायमोसिन बीटा-4। ये करेगा क्या, जैसे ही देखेगा यार प्रोफिलिन तो बहुत ज्यादा GFP ATP को बना रहा है, तो ये बीच में आ जाएगा, पूरे के पूरे GFP को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। क्यों स्टोर करेगा, क्योंकि हमें इसकी लेंथ एक सीक्वेंस तक ही रखनी है, हमें बहुत बड़ा एक सीक्वेंस नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ी लेंथ क्रिएट नहीं करनी है। तो एक तरीके से ये पॉलीमराइजेशन का इनिबिटर या फिर पॉलीमराइजेशन को इनिबिट ही करेगा। कैसे इनिबिट करेगा, ये सारी की सारी जो आपकी सभी यूनिट्स रहेंगी GFP उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको बताई है वहीं पर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि देखिए एक ऐसी सिचुएशन हुई, कैसी सिचुएशन थी, एक सेल था उसके अंदर एक्टिन का लेवल जो है, ये कोई आपके पास सेल है, यहाँ पर एक्टिन का लेवल 100 से लेके 400 माइक्रोमोल अगर कर दिया जाए, तो आप ये मान लेंगे कि चलिए अगर इसका 50% पॉलीमराइज हो गया तो मतलब आपका 50 से 200 माइक्रोमोल एक्टिन जो था वो इजीली पॉलीमराइज हो गया। अब पॉलीमराइज होने के बाद भी आपका कितना बचा, 50 टू 200 एक्टिन जो है वो फ्री घूम रहा है साइटोसोल में, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.2 था, और ये 50 से लेके 200 माइक्रोमोल है, जो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। और कहा गया है फिर भी पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ, मतलब इतनी कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद भी, मतलब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद भी पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आपका थायमोसिन बीटा-4 साइकिल थी वो एक्टिवेट हो गई और थायमोसिन ने पूरे के पूरे जो आपके फ्री GFP मॉलिक्यूल थे उनको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो ये एक स्टेटमेंट है जो आपसे पूछा गया था, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब थोड़ा सा कैपिंग प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा ही बचा है, तो इसको इसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये टॉपिक है तो जरा समझ लीजिए। कैपिंग प्रोटीन कैसे होती है, जो आपका फिलामेंट होता है उसी फिलामेंट में जो आपके एंड होंगे पॉजिटिव एंड या फिर नेगेटिव एंड, वहीं पर ये कैप के जैसे अटैच्ड हो जाते हैं, इनकी कैपिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पर पहला जो प्रोटीन है कैप जेड है, जो पॉजिटिव एंड की तरह इसकी कैपिंग होगी और ये इनिबिट कर देता है एडिशन और लॉस, मतलब पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन दोनों के लिए ये प्लस एंड में क्या कर लेगा, इनिबिट कर देगा। सेकंड जो प्रोटीन है जो है आपका ट्रोपोमोड्यूलिन,
ट्रोपोमोड्यूलिन जो है वो आपके नेगेटिव एंड की तरफ एक कैप बनाया जाता है और ये जो नेगेटिव एंड पर असेंबली एंड डिसअसेंबली को इनहिबिट कर देता है। तीसरा जो प्रोटीन है वो है ट्रोपोमायोसिन, ये आपका कैपिंग प्रोटीन नहीं है। मैं अगेन आपको बता दूं केवल दो आपके कैपिंग प्रोटीन है, कैप जेड जो पॉजिटिव एंड की तरफ होगा, दूसरा आपका ट्रोपोमोड्यूलिन जो नेगेटिव एंड की तरफ होगा और आपके पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देगा। ट्रोपोमोड्यूलिन जो है वो स्टेबलाइज करता है आपके फिलामेंट को, जो आपका क्या है कि बीच में अटैच्ड होगा, जो फिलामेंट है वो आपका प्रॉपर फ्लेक्सिबल ना रहे उसको स्टेबलाइज कर दे। मैंने इसको बस इसीलिए मेंशन करा है, ये दोनों नाम सिमिलर हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, भूले ना, इसीलिए मैंने लिखा है कि जो ट्रोपोमाइसिन है वो स्टेबलाइजेशन के लिए, लेकिन कैपिंग प्रोटीन में कैप जेड एंड ट्रोपोमोड्यूलिन होगा, ट्रोपोमाइसिन कैप प्रोटीन नहीं है। दोनों के नाम सिमिलर है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए साथ में लिख दिया, एक साथ ही याद करो कि एक कैपिंग और दूसरा जो है वो स्टेबलाइज करेगा। तो ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो कुछ नहीं है, ये आपका कैप जेड है जो पॉजिटिव एंड की तरफ होगा, नेगेटिव एंड में आपका ट्रोपोमोड्यूलिन होगा। ये जो पॉजिटिव एंड है अब इससे कैसा क्वेश्चन मिल सकता है, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि एक कोई सॉल्यूशन है जहां पर आपके एफ एक्टिन कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं और अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने कैप जेड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो अब आप मुझे बताइए कि पॉलीमराइजेशन जो है चेन का कैसे होगा। तो आपको पता है कि पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ, अब अगर वो पॉजिटिव एंड की तरफ है, नेगेटिव एंड में तो ज्यादा डीपॉलीमराइजेशन हो गया, तो क्या होगा मोरल ऑफ द स्टोरी की जो फिलामेंट है उसकी लेंथ बहुत शॉर्ट हो जाएगी। तो अब अगर आप कैप जेड के कॉन्सेंट्रेशन को सोल्यूशन में बढ़ा रहे हैं तो फिलामेंट का जो लेंथ है वो कैसा होगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्यों शॉर्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड पे ना पॉलीमराइजेशन करा रहा है ना डीपॉलीमराइजेशन करा रहा है, बस इसका नेगेटिव एंड पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन के लिए फ्री है, लेकिन स्टिल नेगेटिव एंड में ज्यादा डीपॉलीमराइजेशन होता है, इसीलिए जो आपका पूरा का पूरा फिलामेंट है वो छोटा हो जाएगा। वहीं पर अगर आप पॉजिटिव एंड को फ्री रखते हैं, नेगेटिव एंड पे आपने ट्रोपोमोड्यूलिन, अब मैं कहूँ मैंने दूसरा सोल्यूशन लिया जहां पर ट्रोपोमोड्यूलिन का कंसंट्रेशन बढ़ाया है, तो अब क्या होगा, तो आप मुझे बताइए जो फिलामेंट है उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। फिलामेंट का लेंथ क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव एंड फ्री है और ये आपका फास्ट ग्रोइंग एंड है, तो आपका फिलामेंट जो है वो पॉलीमराइज ज्यादा करेगा, नेगेटिव एंड में डीपॉलीमराइजेशन रेट ज्यादा है जो हो ही नहीं रहा है, तो फिलामेंट जो है वो कैसा होगा, आपका फास्ट ग्रोइंग होगा एंड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए एक और आपका कैपिंग प्रोटीन है, तो कैप जेड एंड ट्रोपोमोड्यूलिन तो है ही है, साथ में आपका जेलसोनिन भी है, ये आपका प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है सेल में जो आपका कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन होता है। कैल्शियम क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है, कंफर्मेशन चेंज कर देता है, और उसी से क्या ये करता है, इसका एक काम तो होता है कि ये कोई फिलामेंट है और ये जो पॉजिटिव एंड है तो ये पॉजिटिव एंड की तरफ जो है प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही साथ ये ब्रेकिंग भी कर देता है फिलामेंट की, तो जैसे ही ब्रेकिंग होगी तो एक माइनस एंड भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस होगा उसके अपोजिट माइनस एंड होगा, तो माइनस एंड में ये ऑटोमेटिक डीअसेंबली या डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट कर देता है। तो ये कुछ है पॉइंट्स जेलसोनिन के, जो ज्यादा मतलब ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। तो इसका क्या फंक्शन है, एक तो कैल्शियम के थ्रू इसका एक्टिवेशन होगा, ये पॉजिटिव एंड की तरफ बाइंड करता है, साथ ही साथ फिलामेंट को बीच से कट करता है तो डीस्टेबलाइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन को भी इनिशिएट करेगा। साथ ही साथ इसका नाम जेलसोनिन इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका ये जेल टाइप प्रोटीन होता है और जैसे ही इसका काम खत्म होता है तो ये आपके लिक्विड सॉल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो जब ये फंक्शनल फॉर्म होता है तो ये आपका जेल फॉर्म में होता है और जैसे ही इसका काम खत्म होता है तो ये सॉल्यूशन में आता है, उसी नेचर की वजह से इसका नाम क्या है, जेलसोनिन। ठीक है,
आप देखिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो ये एक जो स्लाइड है यहाँ पर मैंने किया क्या है ना कि पूरा का पूरा आपका जो एक्टिन अभी हमने पढ़ा हुआ है सारा इसमें समराइज कर दिया है, तो सारे प्रोटीन भी आपके एक बार रिवाइज हो जाएंगे जो जो हमने पढ़ी, और कौन कौन सी प्रोसेस किस किस सीक्वेंस में आएगी वो भी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, जी एक्टिन होगा जो आपके मोनोमर के फॉर्म में होगा एंड एटीपी बाउंडेड है, तो ये आपका कैसा होगा, एक्टिव होगा। तो सबसे पहले जो प्रोटीन आएगा वो होगा फॉर्मिंग प्रोटीन, और ये जो फॉर्मिंग प्रोटीन है ये क्या काम कराएगा, न्यूक्लियस को फॉर्म करेगा। उसके बाद क्या होगा आपका ट्राइमर, और जो आपका डाइमर होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, पहले फॉर्मेशन होगा, देन आप इलोंगेशन पे स्विच करेंगे। जैसे ही प्रोटीन का कंप्लीट इलोंगेशन हो जाएगा तो आप दो एंड जनरेट हो गए, प्लस एंड एंड नेगेटिव एंड, तो कैपिंग प्रोटीन आ जाएंगे। प्लस एंड के लिए आपका कैपजेड है, नेगेटिव एंड के लिए आपका ट्रोपोमोड्यूलिन है जो आपके फिलामेंट पे अटैच्ड होगा। उसके बाद जब आपका पूरा फिलामेंट ऐसे सिंथेसाइज हो रहा है और आपको एक ब्रांच का फॉर्मेशन करना है, तो ये जो ब्रांच है उसके लिए कौन काम करेगा, ARP23 जो आपका ब्रांचिंग प्रोटीन होगा, और ये कहाँ पे ब्रांच का फॉर्मेशन करता है, नियर टू पॉजिटिव एंड। इसके साथ साथ आपकी फिर एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस जैसे ही होगी तो होगा क्या, आपका अब बन जाएगा एडीपी, जी एक्टिन जो है वो एडीपी में आएगा, और आपका क्या डिसोसिएशन या डीपोलीमराइजेशन शुरू हो जाता है, जहां पर काम करेंगे एडीएफ एक्टिन डीपोलीमराइजिंग फैक्टर एंड कोफिलिंग, क्योंकि अब क्या है एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ है और हमें डीपोलीमराइजेशन कराना शुरू करना है। देन आपका क्या हो जाएगा कि फ्री जो आपके नेक्स्ट आपको मिलेगा जी एक्टिन एडीपी, तो प्रोफिलिन आएगा आप, और प्रोफिलिन का काम क्या होगा, इसको एक्सचेंज करना एडीपी से एटीपी में, एंड फाइनली जब आपका एडीपी से एटीपी आएगा तो फिर से आपका जी एक्टिन एटीपी मोनोमर का फॉर्मेशन हो गया और साइकिल जो है वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये एक डायग्राम है जिसमें आपका पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन साथ ही साथ जितने भी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपके प्रोफिलिन है, कैप प्रोटीन है, फिर आपका कोफिलिन है, इसमें आपका थायमोसिन बीटा 4 नहीं दिया गया है क्योंकि वो स्टोर का काम करेगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तभी वो एक्टिवेट होगा। अदरवाइज जब भी हम पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो पहला प्रोटीन फॉर्मिंग होगा, फिलामेंट बनने के बाद कैपिंग प्रोटीन आएंगे, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन आएंगे, फिर ब्रांच का फॉर्मेशन कराना है तो ARP23 आ जाएगा, डीपॉलीमराइजेशन कराना है तो ADF या कोफिलिन आएंगे, अगेन फिर आपका जो यूनिट्स डीपॉलीमराइजेशन के बाद बनी है दैट इज जी एक्टिन एडीपी, अब इसको फिर से एक्टिवेट करना है, एटीपी अटैच करना है तो प्रोफिलिन आ जाएगा, तो ऐसे करके आपकी पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये जो है ना एक मेजर पाथवे आपका पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन का है। अब चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो जरा कुछ क्वेश्चन है, बस अब क्वेश्चन ही बचे हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं, बस हमें ये देखना है कि ट्रेडमिलिंग जब वेट हमारी पूरी हो गई थी, मेजर करना है मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ एक्टिव ट्रेडमिलिंग, यहाँ पर काफी सेवरल टाइम जो है वो इंक्रीज या हायर होती है, इन कहा प्योर इन विट्रो एक्टिन, अगर हम इन विट्रो कोई एक्सपेरिमेंट करें तो यहाँ पर काफी हायर वेट होती है, तो आप बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो आपकी पॉलीमराइजेशन रेट को जो है वो इनिशिएट करेगा, या फिर आपके पॉलीमराइजेशन रेट के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो जरूरी है।
क्योंकि ट्रेड मिलिंग मतलब क्या है, प्रोसेस दोनों आपके इन्वॉल्व होंगी, पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो पॉलीमराइजेशन है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, चीज यहाँ पर लिखी है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेड मिलिंग का अगर हम इनहांस की बात करें तो कौन कौन सी हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोफिलिन के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोफिलिन यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि पॉलीमराइजेशन रेट की बात हो रही है, ट्रेड मिलिंग में हमारा पहला जो है वो पॉलीमराइजेशन ही होता है, तो बिल्कुल होना चाहिए। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपोजिट टू आपकी जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। दूसरा क्या है, प्रोफिलिन बाइंड स्पेशली टू द एडीपी कंटेनिंग एफ एक्टिन, बिल्कुल जो डीपॉलीमराइजेशन करता है, तो प्रोफिलिन आपका एटीपी से अटैच्ड होता है, वहीं पर आपका कोफिलिन जो है वो एडीपी से अटैच्ड होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। वहीं पर तीसरा स्टेटमेंट है बफर विथ एटीपी एंड लो लेवल ऑफ कैटायन, अगेन बफर विथ एडीपी एंड लो लेवल ऑफ कैटायन। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कैटायन के लेवल को लो कर देंगे तो पॉलीमराइजेशन होगा नहीं, जब पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो डीपॉलीमराइजेशन भी नहीं होगा, तो आपकी ट्रेड मिलिंग की प्रोसेस जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, एनहांस नहीं होगी। तो हमें ऐसे फैक्टर को चूज करना है जो पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन दोनों को फैसिलिटेट करे, तो जो हमारा स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है, तो उस बेसिस पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर क्या है, लो लेवल है, तो लो लेवल है तो ऑब्वियस सी बात है पॉलीमराइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप कैसे ट्रेड मिलिंग को एनहांस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में अभी हमने केवल एक्टिन फिलामेंट ही पढ़ा है, लेकिन उस बेसिस पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था, सिंपली पूछा है कि एक्टिन जो है तो आप मैच करिए जरा कौन सी प्रोटीन, तो एक्टिन में एक फॉर्मिंग है, एक आपका ARP2 है, तो अगर आप ये दोनों ही करेक्ट पहचान लेंगे, क्योंकि अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि फॉर्मिंग एंड ARP2, तो उस बेसिस पे आपका जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ए की मैचिंग जो है ए फर्स्ट एंड ए सेकेंड केवल एक ही स्टेटमेंट में, उसके अलावा माइक्रोटिब्यूल अभी हमने पढ़ा नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने एक ही कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो भी आप सॉल्व कर लेते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट अगर आपको याद है तो लेमन प्रोटीन जो हमने न्यूक्लियस में पढ़ लिया है तो उसका भी आप मैच करके आइडेंटिफाई कर लेंगे। अदरवाइज एक्टिन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, दोनों को हमने मैच कर लिया, तो वैसा ऑप्शन केवल एक में ही है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपली पूछा गया है कि जब भी हम साइटोस्केलेटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो मैटर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है हम पढ़ रहे हैं कि रो फैमिली में होता है, तो रो फैमिली या रेस फैमिली GTPase यहाँ पर काम करते हैं, तो रेस फैमिली में काफी आता है, जैसे आपका रेन आता है, रो आता है, तो रेन GTP तो हमारे न्यूक्लियस ट्रांसपोर्टेशन में होता है। इन दोनों में शायद कंफ्यूज हो जाओ कि रो दोनों में है, लेकिन रो में भी जब हम बात कर रहे थे तो कैसा होना चाहिए, GTP बाउंड होना चाहिए, तब जाके आपका एक्टिवेशन होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, चलिए ये स्टेटमेंट मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था,
कि अगर कोई सेल है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आपके जी एक्टिन का, तो आपके 50 से लेके 200 तो पॉलीमराइज कर लेंगे, बाकी का जो आपका 50 से 200 कॉन्सेंट्रेशन बचा है जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से काफी ज्यादा है, तो अगर आपको पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करना है तो आप क्या करेंगे? तो हमें बस इतना आइडेंटिफाई कर लेना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे प्रोटीन है जो पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करेंगे। तो ट्रोपोमायसिन बिल्कुल स्टोर कर देगा, किसको स्टोर करेगा? जी एक्टिन एटीपी को। वहीं पर कैपिंग प्रोटीन कैप जेड जो पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड है, ये भी आपके पॉजिटिव एंड में पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है। ट्रोपोमोड्यूलिन भी आपका कैप प्रोटीन है जो नेगेटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करेगा। एंड आपका जो XMAP215 माइक्रोट्यूब्यूल है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, इस बेसिस पे माइक्रोट्यूब्यूल का तो कुछ काम ही नहीं, डी को हटा दीजिए, बाकी तीनों के तीनों पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करेंगे। तो जो ऑप्शन ए बी एंड सी है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। टू में पूछा गया था और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्टिन में से जितने भी प्रोटीन है हमें सारे के सारे प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोफिलिन टाइप के लिए आपके डी पॉलीमराइजेशन में, डीपी लिख रही हूँ, डी पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करता है और ये बाइंड कहाँ कर रहा था? ये बाइंड कर रहा था आपके जी एक्टिन एडीपी सब यूनिट्स के साथ। प्रोफिलिन की अगर बात करें तो ये फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज को, ये एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कराता है, एक्सचेंज करता है और फाइनली आपकी सब यूनिट जो बनती है वो बनती है जी एक्टिन एटीपी। तो अगर आपसे दूसरी भाषा में ये भी पूछा जाए कि जो प्रोफिलिन है वो बाइंड करता है आपका जी एक्टिन एडीपी के साथ और उसका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? जी एक्टिन एटीपी। बाइंड करेगा जी एक्टिन एडीपी के साथ, प्रोडक्ट होगा जी एक्टिन एटीपी। फिर अगर आप थाइमोसिन की बात करें तो थाइमोसिन क्या है? एक आपका फॉर्मिंग है एंड आपका थाइमोसिन है। तो पहला जो है वो आपका पहले का क्या बताया था? पहले का जो है आपका सेकंड है एंड बी का आपका फर्स्ट है। इतने से ही देख ले रहे हैं पहले का फर्स्ट एंड सी का जो है वो आपका फोर्थ है, क्योंकि थाइमोसिन का काम क्या था? स्टोर करना। और फॉर्मिंग का काम क्या था? एक आपका अनब्रांच फिलामेंट या जो आपका न्यूक्लियस है उसका फॉर्मेशन करना। तो न्यूक्लियस है अभी प्रॉपर ब्रांच नहीं है। थाइमोसिन बीटा फोर का काम क्या था? स्टोर करना और इनहिबिट कर देना आपकी एटीपी बाइंडिंग सब यूनिट को टुवर्ड्स फिलामेंट। तरीके से जो आपका आंसर है वो आंसर सी होगा।